तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोविंद, हमारी कस्तूरी को लड़का हुआ है बेटा। अत्यंत शुभ समाचार है माँ, भगवान की असीम कृपा है। जानकी तो कुशल मंगल से है ना? हाँ बेटे, तू अब जल्दी से यहाँ आ जा, अपने बेटे को देखने के लिए मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, कस्तूरी आपकी रिश्तेदार है? हाँ बेटी, वो मेरी बहू है। उसे जो लड़का हुआ था वो मर गया माँ जी। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है, अचानक सांस रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। हे भगवान, इतनी तकलीफों के बाद तो मेरी बहू की गोद भरी थी, वो भी सुनी हो। देखिए माँ जी, जो हो गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप कहें तो मेरे पास एक उपाय है। बगल वाले वार्ड में आज ही एक औरत को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। बेचारी बहुत गरीब है, अगर उसका एक बच्चा उसे बिना बताए हम ले लेंगे तो उसका बोझ भी कम हो जाएगा और आपकी बहू को बच्चा भी मिल जाएगा। अब मैं क्या कहूँ बेटी, एक तरफ मेरी बहू की जिंदगी है और दूसरी तरफ एक माँ की ममता। जो तुम्हें सही लगे तुम करो बेटी, मैं स्वीकार कर लूँगी। देखो मुझसे बात कर रहा है, बिल्कुल मुझ पर गया है। सत्य कहा ना माँ? क्या हो गया, कुछ बात है क्या माँ? आप किसी शंका में लग रही हैं। क्यों, तुझे कोई शक है क्या? इसके नए नक्श तेरी तरह तो है। वही तो, देखो ना कैसे मुस्कुरा रहा है। आ ले 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 मेरा बच्चा। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ गायत्री, ये सब भगवान की इच्छा है। जीवन मृत्यु सब उन्हीं के हाथों में है। उसी ने दिया था, उसी ने छीन लिया, उसका दुख तो जीवन भर रहेगा। चलती हूँ। वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी का जन्म है, नरसिंह भगवान की जयंती के दिन का। मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र भी उनका सहचारी हो। ओम श्री आदि शक्ति नमो नमः। माँ जी, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बालक के नाम का प्रथम अक्षर ना से शुरू होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम नरसिम्हा रखते हैं। ठीक है माँ जी, नरसिम्हा। मेरा बेटा नरसिम्हा। चारी, ए चारी, आजा। खा ले बेटा, कब तक भूखा रहेगा? मुर्गे को पकड़ना चाहता है, रोज नींद खराब कर देता है। अगर ये एक बार हाथ लग जाए तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। चबाएगा? चबाएगा, इसका साहस भी कैसे हुआ? अभी चल के बताता हूं। अरे अरे, सुन रही हो माँ, मेरी प्रतिष्ठा को इस तरह कलंकित कर रहा है। मेरे अब तक के संचित पुण्यों का विनाश कर दिया इसने। अरे बस कर गोविंदा, बच्चा ही तो है, बोल दिया तो क्या हुआ? इसके बोलने से वो मुर्गा इसके पेट में चला गया क्या? तो आपकी मंशा है जब ये मुर्गा खा ले तब मैं इसे डांटूं? कहीं इसने खा तो नहीं लिया? आप भी ना रहने दीजिए, बेचारा छोटी सी जान, आप तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। जाइए अपना काम कीजिए। ओम यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रम् प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात्। प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। यहाँ पे चार लोगों का मर्डर हो चुका है। गुड मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग, रात को 4 बजे सोया था, सुबह 6 बजे तेरा फोन आया। देखो आंखों की क्या हालत हो गई है, देखो। हाँ सर। कितने थे? 4 थे सर, सारे रसूल गैंग के थे, सलमान, राशिद, बंटी, आदिल। शहर में इन लोगों ने कई लोगों के मर्डर्स किए थे। हमारी पुलिस फोर्स की नाक में दम कर रखा था। परसों जो मेट्रो ट्रेन में हादसा हुआ था रेप केस का, उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था।
पुलिस को कई बार चकमा देकर ये लोग जेल से भाग निकले थे। आज हमारे हाथ लगी गए और इनकी कहानी खत्म हो गई। सुनो ना मैडम, एक टेक और लो ना। क्यों सर? क्योंकि मैं थोड़ा मिर्च मसाला और डालना चाहता हूँ। जब तक दाल में तड़का ना लगे बिल्कुल मजा नहीं आता। नमस्ते नायडू सर, आप यहाँ कैसे? ये एरिया तो हमारा है। एरिया तुम्हारा है, काम हम सबका है, आना तो पड़ेगा ही। पिछले 2 महीने से थाने में बैठ के हम सिर्फ लूडो खेल रहे हैं, हमारे लिए कोई तो काम छोड़िए आप। करेक्ट। तुम लोग एक काम करो, जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बोलो। ओके? मतलब पुलिस की नौकरी मैंने आपको चाय पिलाने के लिए की थी? इस बेचारे को तो देखो, इतनी देर से सोच रहा है केस तुम लोग सॉल्व करोगे या हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे कंफ्यूज होके देख रहा है। अरे ये तो सवेरे से ही ऐसे देख रहा है। एक तो सैलरी पूरी नहीं मिलती, ऊपर से आप जेब काट रहे हैं। सर ये ऐसा ही है, सभी की जेब काटता है। करेक्ट, इसीलिए तो सब मुझे मेंटल नायक कहते हैं। नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं सर, हम तो अपनी बात कर रहे थे। ए पांडू, एम्बुलेंस मंगवा। ए हटिए हटिए हटिए, सब लोग चलिए पीछे पीछे पीछे। रत्नाकर सर, वो सामने जो कंटेनर दिख रहा है कब ब्लास्ट हुआ है? कल रात को ब्लास्ट हुआ था सर, वहीं से शुरू हुआ है सारा खेल। रत्नाकर सर, इसे कैसे मारा है पता है? मैं इसे संभाल लूंगा। प्लीज। फट गई, इतनी फटती है तो फटे में हाथ क्यों डाल? नहीं सर। चल अब तेरा टॉक टाइम यहीं खत्म हो रहा है। ये बेचारा तो बीच में अटक गया। ये भाग्यशाली आखिर में मरा, इसे टीका लगाने की बहुत इच्छा थी, मरते समय भी टीका लगा के मरा। बोल तो ऐसे रहे जैसे सारे मर्डर इसने खुद करवाए। वो आ रहा है सर। इन्हें क्यों मारा होगा सर? डोंट वरी, सब पता चल जाएगा। जस्ट वेट, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इमेजिनेशन भी करना चाहिए। सर अरे इसका बाप गूगल है क्या? तू एक काम कर, वहां जाके पब्लिक ऑटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आइए बैठिए। और बताइए आनंद साहब, कैसा चल रहा है रियल एस्टेट का बिजनेस? बहुत ठंडा है सर। धमकी दी होगी, कॉल आया होगा। किसका सर? गैंग वालों का। जो लोग 4 पैसा कमाते हैं उनको जिस तरह के धमकी भरे कॉल आते हैं ना, वैसे ही कोई कॉल आपको भी आया था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी फिल्म का गाना है ये बताओ? मुझे नहीं पता सर। अरे कोई बात नहीं, अब जरा इसे सुनिए। कहा
कान खोल के सुन ले, अगर कल तक 2 करोड़ रुपए मेरे आदमियों को नहीं भेजा तो तेरे परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा, और इसका कारण मैं नहीं तो खुद होगा। नहीं भाई, मुझे जाने दो। अब ये डायलॉग किस फिल्म का है पता है आपको? नहीं पता सर। रत्ना, उन लोगों से कहो दरवाजा बंद करके अपना काम करें। ठीक है सर, बताओ। क्या करें सर, सच उगलवाने के लिए ये करना पड़ता है। वो सर, रसूल ने मेरे परिवार को मारने की बात कही है इसलिए। पैसे देने के बाद तुम्हें मारने के लिए उन्होंने किसे भेजा? नहीं सर, मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा, सच कह रहा हूँ सर। वहाँ क्या हुआ सब सच सच बता दो। जब मैं वहाँ पहुँचा, दो करोड़ है, मैं पैसे दे के निकल गया सर। पैसे देते वक्त क्या वो आदमी वहाँ अकेला था? हाँ सर। कोई और नहीं था? कोई नहीं सर। अच्छा तो रत्ना, इनके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ पता है? गर्मी ले रहा है क्या? ये अपुन का पैसा है। मुर्दे कभी पैसे लेकर नहीं जाते। तू निकल, मैं इसे संभाल लूंगा। बैग ले जाके भाई को देना, मैं शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। ये है सारी कहानी। सबको मार कर वो पैसे लेकर वहां से चंपत हो गया। हम इसे भले छोड़ दें, पर वो रसूल नहीं छोड़ेगा। उसे लगता है उन चारों को इन्होंने ही मारा है। मुझे बचा लीजिए सर। रसूल कहाँ है? बैंकॉक में सर, वहीं से उसने फोन किया था। उसके यहाँ आने से पहले तुम कहीं छुप जाओ। जाओ। 2 करोड़? वो इतने पैसों का क्या करेगा? अरे सर? यार मजे करेगा और क्या करेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि, ओम सूर्य देवाय नमः। अरे क्या हुआ चारी, ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे सांप देख लिया। अरे दादी, सांप होता तो भी चलता, उसे गले में डाल लेता। पर मछली आ गई और कुंड हो गया अपवित्र। अरे चारी, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहे, हम बता रहे हैं, मछली ने कुंड को भ्रष्ट कर दिया है। जरूर दाल में कुछ काला है, किसी ने तालाब में आकर मछली को पाला है। ओम नमः शिवाय। अरे बेटा मछली तो है, वो पानी में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? अरे तो मछलियों का हमने ठेका ले रखा है। सांप, कछुआ, मगरमच्छ चलेगा पर मछली नहीं चलेगी। अरे मछलियों को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो कहाँ जाएंगी? बोल तो ऐसे रहो जैसे आपके रिश्तेदार है। इतना दुख हो रहा है तो घर ले जाइए। भले ही सूर्यदेव पश्चिम से क्यों ना हो गए, ये मछली तालाब में नहीं रहेगी। निर्णय कर लीजिए, आपको मछली चाहिए या चारी? क्या हुआ चारी, सारा मठ सर पे उठा के रख दिया, क्या नौटंकी चल रही है? भाई लागू गुरुजी, बात यह है कि पूजा करते समय हाथ में मछली आ गई, वही मेरे मुख में चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, खा के उसका स्वाद चखता। आई हो गुरुजी। भ्रष्ट लोग यही कहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं खाया। अच्छा अभी ये सब छोड़ो, वहाँ फिल्म भरोत के लिए देर हो रही है, चल जल्दी। बड़ा मुर्गा है, देर हो गई तो दक्षिणा काट के लोटा थमा देगा। चारी ने आज तक देरी नहीं की, समय का पहिया रुक सकता लेकिन चारी का नहीं, ये सभी जानते हैं। ये क्या गोविंद जी, आपका बेटा तो राय का हिमालय बना रहा है। तो समझा के हार गया हूँ, मां तुम ही समझाओ ना। चल, क्यों उनसे जबान लड़ाता है? अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुझे निकाल देंगे। अरे कैसे निकालेगा दादी, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता क्या फूल गोभी भी नहीं हिलती। अरे चारी, इन सब बातों पे मिट्टी डाल, और याद रख उन्होंने हमें 1 लाख रुपए कर्ज दिया है, ये उनका उपकार है, उनके दिए हुए पैसे से ही हमारा घर चल रहा है। और 2 साल से मेरा वेतन जो खा रहा है उसका हिसाब कौन करेगा? तो दे दे। अभी तो फूटी कौड़ी भी नहीं है दादी। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, जब तक पैसा वापस नहीं लौटा देते जैसा कह रहा है कर। ठीक है, और मछलियों का क्या? अरे हम कुंड को साफ करवा देंगे, तू जा। चलो उतरो। रामगढ़ के शोले, क्या नाम रखा है, गब्बर तो वहाँ से भाग गया। रामगढ़ के शोले नहीं देखे लेकिन छोले जरूर खाए। हाँ। कच्ची कैरी का मसाला और पुदीने की चटनी के साथ। अरे बांगड़ू, गब्बर वाला रामगढ़। अरे गुरुजी, मैं भी रामगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, पिछली बार छोला खाने गया था, 2 बंदूक की गोली निकली उसमें। अब दिमाग की बत्ती जली, जरूर वो कोई रामगढ़ का डाकू होगा जो छोले बना के खिला रहा होगा। मौसी से भेंट हुई क्या? हाँ। क्या बात है, कटीली कटारी। पंडित जी कहाँ उल्टे फेरे लगा रहे थे, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अबे पंडित मैं हूँ कि तू, मुहूर्त से पहले आएंगे तो अपशकुन होता है। प्रोड्यूसर कहाँ है? अरे सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, एक्टर राइटर ऑल इन वन वही है, नाम है 55 जी। अरे तो हीरोइन भी बन जाता ना चनिया चोली पहन के। है? चारी सॉरी, बोलता बहुत है। 55 बाबा। आइए आइए, सेल्फी लीजिए सेल्फी। गुड मॉर्निंग बॉस। इतना फूल बर्बाद किया, अब तक हम 4 शादी कर लिए होते। चोज बंद करना तो दक्षिणा कट हो जाएगी। चोज बंद करेंगे तो मंत्र कैसे पढ़ेंगे? ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम सरस्वती माताय नमः, ओम नारायणाय नमः। अरे सुनिए, ओ हेलो, आइए नारियल उठाइए और भगवान का नाम लेकर फोड़िए। जी जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव।
धन्यवाद पंडित जी, आपकी पिक्चर सफलता के झंडे गाड़े, हमारा हृदय से आशीर्वाद। दक्षिणा दे हम प्रस्थान करें, दो टिकट कटा है, शमशान में उनकी अंतिम क्रिया करवानी है। आप शाम को आ जाइए, मैं मैडम से कह के आपको पैसे दिलवा दूंगा। आज नकद कल उधार, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाने वाले। अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लोरा वाला जाएंगे चिक्की खाने। अरे कितने लीचड़ हो बे, हमको उधार लड़की को कार। कट 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 कट, इतना साहस लीचड़ का। और नहीं तो क्या कहें, होदा पहाड़ निकली चुहिया, जानते हैं मेरा दक्षिणा नहीं दे रहे, खा गए हैं और चले हैं फिल्म बनाने। पता नहीं क्यों दुनिया वाले इनको सिर पर चढ़ाकर रखते हैं। अरे भाई ये सब क्या लफड़ा है, मैंने कहा पैसे शाम को ले लीजिए पर मना कर दिया। देखो पंडित जी, वहाँ स्विमिंग पूल पर हमारी मैडम बैठी है, उनसे जाके चेक ले लो। कोई चेक वेक नहीं चलेगा, अगर बाउंस हो गया तो। कुछ और मांगो। 100 बोरी चावल दे दो। पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखे थे। आए हो भैया, कहीं वो चेक वाली मैडम यही तो नहीं है। अरे 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 अरे, खुद तो डूबेगी, मेरा 15,000 का चेक भी लेके डूबेगी। जय गंगा मैया। 15,000 के चेक के लिए आत्महत्या करना चाहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? चलिए 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 और पास आइए। क्या कर रहे हो? मुख से मुख मिलाएंगे, आपका फेफड़ा फुलाएंगे, सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। ए, किसे पूछ के हाथ लगाया मुझे? एक बात बताइए मैडम, खुपड़िया में भूसा भरा है, अगर कोई मर रहा है तो उसे जाकर बचाना चाहिए या जाके ये पूछें बचाएं क्या? स्वीटी, तुम हार गई। ये क्या किया तुमने? बैठ हार गई ना मैं, पैसा तुम्हारा बाप देगा। अरे बाप रे, कसम से हमको नहीं पता था, हमको तो लगा कि आप डूब रही हैं। शट अप। मैडम जी ये क्रोध शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी पीठ के पीछे एक बड़ा सा तेल है। हा? अर्थात जानती हैं, छैल छबीला वर मिलेगा। क्या मतलब? अरे हाँ बाबा, ये शास्त्र में लिखा है, नहीं समझी ना कान यहाँ लाओ। बंद करो, तुम यहाँ आए क्यों हो? अरे दक्षिणा लेने के लिए, 56 जी ने कहा मेरी पोती जी से ले लीजिए, चलिए शीघ्र दीजिए। मैं उनकी पोती नहीं हूँ, वो है। क्या? ओके ओके स्वीटी, तुम 10,000 हार गई हो ना, इसे दे दो। चलो। एक बात बताइए, आपके शर्त के चक्कर में आपकी जान चली जाती तब क्या होता? ये हमारा रोज का कार्य है, तुम नहीं समझोगे। ये लो 10,000। बाकी के 5,000? मेरी पीठ पे जो तिल देखा था, 5,000 उसके। फिर तो जिसे विवाह करोगी वो लुट जाएगा। भाग यहाँ से। एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा, भगवान ही जाने इसका क्या होगा। नमस्ते बाजी। हाँ जी दसो। मेजर चंद्रशेखर डिफेंस रिसर्च लैब में काम करते थे, वेपन्स डिजाइनर, हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए। पर मेजर साहब को तुम्हारे काफी साल हो गए। जानता हूँ, पर उसके परिवार में से कोई तो जिंदा होगा। देखो जी, सेना से संबंधित लोगों के बारे में कोई भी जानकारी देना रूल्स के खिलाफ है। रूल्स तुम जैसे लोगों के लिए है, हम जैसे क्रिमिनल्स के लिए नहीं। चंडीगढ़ सेक्टर 23 में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप रहते हैं ना, बेचारे अगर उन्हें कुछ हो जाए तो। चुपचाप मेजर की डिटेल्स हमें दे दो, वरना तुम्हारे माँ बाप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। डिटेल्स। इसमें उनकी सारी जानकारी है। इतना बड़ा घर, बेटा नरसिम्हा तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे वो स्क्रैप का बिजनेस है, कबाड़ का मरम्मत करके उनको ठिकाने लगा देता है। अच्छा, शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत कर, तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा, जीवन में हर खुशी तुझे मिले, तेरा हर सपना पूरा हो। धन्यवाद माँ। देखा पापा, माँ मेहनत करने के लिए कह रही है, बेचारी को पता ही नहीं कि बेटे का विकेट गिरने वाला है। किससे बात कर रहा है? अरे कल कोहली ने मैच जीता ना, उसी की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डोर खोल के बिना परमिशन एंट्री मार रही है, कौन है तू? आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो बस बचने के लिए आई। दिमाग की सटका मत, तेरा मैटर क्या है वो बोल। मेरा नाम स्वीटी है, मैं यहाँ की क्वींस मैरी कॉलेज में बीएससी कर रही हूँ आंटी। वो क्या है कि वहाँ के कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। क्यों? उनका पॉकेट मारा क्या? ब्यूटी ब्यूटी सर, स्वीटी की ब्यूटी के पीछे पड़े हुए हैं। सब कपड़ों का दोष है बेटा। कपड़ों का दोष नहीं, ब्यूटी का दोष आंटी, इसीलिए तो पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे कपड़े पहन के इनवाइट करेगी तो कोई भी खाने के लिए आ जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, चूड़ीदार लहंगा पहनती हूँ तो सब लोग मुझे ओल्ड फैशन बुलाते हैं, मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। अच्छा वैसे ये आपके बेटे हैं क्या? हाँ बेटा। इनकी शादी हो गई है क्या? हेलो, सीबीआई से हो गया? तो फिर ये कभी मेरे पीछे क्यों नहीं पड़े, क्योंकि इस शहर के सारे लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरा नरसिम्हा ऐसा नहीं है। वो तो देखकर ही लगता है। अच्छा आंटी, वो भाग भाग करना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे चाय या कॉफी पिला सकती हैं प्लीज? हाँ लाती हूँ।
घर तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे क्या कर रही है, माँ देख लेगी। माँ देख लेंगी, इस बात की चिंता है, पर मेरी कोई चिंता नहीं है तुम्हें, इसीलिए मुझे आना पड़ा। चार दिन से मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो ना, अब मैं रोज यहीं पर आऊंगी। अबे तेरी तो आपुन भूल दे रहे हैं। कर क्या रहा है तू? कुछ नहीं माँ, आपुन इसको दाव पे सिखा रहे था। अगली बार कोई छेड़े तो कैसे बचना चाहिए, वही बता रहा था इसे मैं। ए तू समझ गया ना, चल फुल टॉस की गाड़ी मार। थैंक यू आंटी। आंटी प्लीज कहिए ना मुझे छोड़ कर। ए ड्राइवर समझा गया, छोड़ देना बेटा, चलो ना। चल बाय आंटी, थैंक यू। आपका बेटा कितना होनहार हो गया है, उसे देखते तो खुश होते। हर हर महादेव। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कैलाश पति की जय हो। आओ चारी विराजमान हो। चुप रहिए गुरुजी, बात करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली आपको? क्यों, यहाँ क्या बुराई है, भोज के लिए स्थान देखा जाता है क्या? इधर उधर की बात छोड़िए और सीधा मुद्दे पर आइए। हाँ ठीक है। हृदय में एक रहस्य छिपा है। आपने शराब पीना तो नहीं शुरू कर दिया है? जिस दिन आपने मछली खाने के लिए कहा था उसी दिन हमें आप पर शंका हो गई थी। चुप रहे, जब देखो आराम शराब बोलता रहता है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। तुमने किसी कन्या से प्रेम किया है क्या? प्रेम? और हम क्या, हम भी प्रेम कर सकते हैं गुरुजी? हैं, प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हाँ तो पहले क्यों नहीं बताए? पहली में पूजा, दूसरी में शीला, तीसरी में मुन्नी, चौथी में चमेली और बेबी, सभी ने चिट्ठी लिखी लेकिन हम किताबी कीड़ा बने रहे। इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है लेकिन प्रेम नहीं मिटता चारी। कसम गंगा मैया की गुरुजी, कहीं आपने तो प्रेम नहीं कर लिया? अरे लजाइए मत, बताइए। अब गुरुजी भी घंटाल हो गए। ओ गुरुजी, अब रहस्य का पिटारा खोलिए और प्रेमिका का नाम बताइए। गंगापुर के गजोधर को जानते हो? अरे वही ना, जिनकी टांग टूटने पर डॉक्टर ने भैंस की टांग लगाई थी। हाँ, उसी की दूसरी टांग टूटने के बाद मुझे उसकी सबसे बड़ी बेटी से प्रेम हो गया। तो फिर उसने क्या कहा? नैन से नैन टकराए, हृदय से हृदय मिले और प्रेम हो गया, लेकिन फूटे भाग प्यार की चिट्ठी पहुँचने से पहले दूध वाला ले उड़ा। दूसरे लगन मंडप में मेरी नजर छोटी वाली पे पड़ी, ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने उसका लग्न कल्लू हलवाई से करा दिया। लेकिन जब तीसरी बेटी पे दृष्टि डाली, वो भी फुर हो जाएगी और आप ठन ठन गोपाल। इसी बात को तो मुझे डर है, अब सब तुम्हारे हाथ में। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी माँ से बात करो। चारी तुम मुझे चंदा का चकोर बना दो ना, अगर तुम बढ़ा चढ़ा के बात करोगे तो मेरा रिश्ता पास हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, इलू इलू हो जाएगा। ऐसा इलू इलू मत करना, बेटी की जगह माँ ना हाँ कर दे, अब मेरी नैया का तू ही खिवैया है। सही जगह हाथ मारा है गुरुजी। नमक मिर्च लगा के बात करना। अब आपकी तो कुछ नहीं गुरुजी। सब कुशल तो है ना आंटी? तुम्हारे रहते कोई अमंगल हो सकता है पप्पू? पप्पू? आंटी मुझे प्यार से इसी नाम से बुलाती है। आजा। जय हो गंगा मैया। ये कौन है पप्पू? मेरा छोटा भाई एवं शिष्य भी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग बैठिए, धूप में से आए हैं, मैं ठंडा पानी लेके आती हूं। हां हां ठीक है ठीक। सब समझ गए, दक्षिणा का पैसा यहाँ लगा दिए। प्रेम में तो करना ही पड़ता है। ये प्रेम नाम का अजगर आपको पूरा निगलता जा रहा है। भले ही निगल जाए चलेगा, लेकिन कार्य पूर्ण होना चाहिए। क्यों पप्पू, आजकल बहुत व्यस्त हो, यहाँ आना भी कम कर दिया है। हाँ सही कहा आपने, बहुत व्यस्त हैं। सवेरे सवेरे स्नान, फिर जलपान, फिर दिन भर प्रेम के ध्यान में मगन रहते हैं। बस भी करो शिष्य, आज छप्पर फाड़ के बोलेंगे। हाँ। हमरे गुरुजी प्रेम के पुजारी और हम न करें बढ़ाई। हमारे लायक कन्या भी तो मिलनी चाहिए ना, सही कहा ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी तो दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हो। हाँ। अरे रे रे, कर दी ना गलती माता जी, गुरु जी को कष्ट होगा ना। छी, आप जानती हैं परसों विवाह के समय मंडप की दुल्हन गुरु जी के साथ भागने के लिए तैयार थी, कुछ बताइए ना गुरु जी। छोटी सी बात को लंबा मत खींचो, पॉइंट पे आ जाओ। आंटी ने भी सुना होगा? नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। लगता है पेपर में छपा नहीं। बच के नहीं तो बच जाएगी। तो थोड़ा कम बोल। आंटी जी चंदा कहाँ छे? यही है, लगता है पूजा घर में पूजा कर रही होगी। चंदा देख भाई चारी, चंदा के हृदय में क्या है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा कि मेरा एक पैर गड्ढे में दूसरा केले के छिलके पर, और लज्जित होना है। सत्य वचन बोल गया, कुछ कर। दृष्टि घुमाइए। अरे बाप रे, फिर से आ गई मनहूस। आंटी जी। हाँ? चंदा आ रही है पप्पू। गुरुजी सर क्यों झुकाया है? लज्जा के कारण, मैं यहाँ हूँ ना। हाँ। चंदा क्या? गुरुजी अनर्थ हो गया। हाँ? आपकी लुटिया डूब गई, चलिए मैं बताता हूँ। क्या लुटिया डूब गई? समझते क्यों नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, चलिए मेरे साथ। भट्टाचार्य जी। चंदा तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पप्पू बुलाया करो। पप्पू? ठीक है पप्पू जी, आपने जो हमें 2-in-1 दिया था ना,
उसका तार चूहे ने काट दिया है, इसीलिए अब वो नहीं चलता। कृपया आप इन्हें कहिए ना उसे ठीक कर दे। इतना ही है ना, वो 2-in-1 है तो ये ऑल इन वन है, चुटकी बजा के ठीक कर देगा। चल जा। गुरुजी, हमको भी कुछ बताना है इस 2-in-1 के बारे में। अरे जाओ, पहले इसके 2-in-1 को ठीक करो, जाओ। अरे ये क्या, धक्का क्यों मार रही है? क्यों बे झिंगुर, क्या नाटक है? भगवान। हाँ बे, फिर से बे। अबे घोंचू, गुरुजी को सच बताएगा? हाँ बताएंगे। कलर टीवी, वीसीआर, 2-in-1, गुरुजी को झांसे में लेकर खूब भलाई चाट रही हो और हम चुपचाप देखते रहे? अच्छा ठीक है, जाके बताओ, हम भी बता देंगे। क्या क्या क्या, क्या बताओगी? वही कि स्विमिंग पूल में तुमने हमें कहाँ कहाँ छुआ और तुमने हमारी पीठ का तिल भी देख लिया। चलो सब बताते। अरे देवी, कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रही हो हमसे? है ना, इसीलिए तुम भी बंद रखो, हम भी बंद। क्या बंद रखें? मुंह अब तो फूटेगा। क्या फूटेगा? भांडा। क्यों शिष्य, कार्य पूर्ण हुआ? गुरुजी आपके आदेश का हम पालन न करें ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे हमको विश्वास है कि हर कार्य पूर्ण करोगे। चंदा, संध्या काल में तैयार रहना, हम सैर पे जाएंगे। पर कहां? ये कौन सी जगह लेके आ गई? अपने को ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आजकल हमारे जैसे मॉडर्न कपल्स क्लब्स जाते हैं, तुम पकाओ मत यार। क्या गुरुजी, कैसी गाड़ी चलाते हैं, पूरा अंजर पंजर ढीला हो गया। पंडित से गाड़ी चलवाओगे तो यही होगा ना, अब जल्दी चलो, खाने का मुहूर्त निकल जाएगा। क्या पप्पू जी, ये कैसी ड्रेस खरीद के लाए? क्या फर्क पड़ता है, देखने वालों को तो मजा आ रहा है ना। गुरुजी मेरी लुंगी उठाने की आदत नहीं छूट रही है। जो मिला है उसी में संतोष करो, काला कौवा नहीं बनेंगे तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। जय हो गंगा मैया। ये क्या पहन लीजिए सर, इट्स अ रूल्स सर, प्लीज। अरे तुम्हें बैठने किसने कहा? तो और क्या करूं? अरे जाओ और बियर लेकर आओ। क्या बियर? अरे चारी, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ बच्चे, प्राचीन लोग क्या पीते थे? मदिरा। और क्या? उसे बियर कहते हैं यहाँ पे। अब अच्छे शिष्य की तरह वही लेकर आ। अयो दादा, ये तो पोंगा पंडित निकला। ये लीजिए। सुनो बार वाले भैया, बियर देना। अभी तो दिया था तुम्हें। क्या कहा, मुझे दिया? कब दिया, दिमाग खराब है? अरे अभी तो दिया था। अरे अकल के अंधे, ठीक से देख आंख है या बटन, अंधेरे में किसी और को दे दिया और नाम मेरा लगा रहा है। ए कौन हो तुम और दिन दहाड़े चिमटी क्यों काट रही हो, शर्म नहीं आती? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी बात करता हूँ, अरे आंख फाड़ के क्या देख रहा है, बियर दे नहीं तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चारी, ए चारी सुन। अरे क्या है रे, तुझे बियर लाने कहा था मैंने, ये मुंह में क्या है, ला ग्लास दे। चल जा अपना ग्लास लेकर आ। कहाँ जा रहे हो? खाई में कूदने। अच्छा मैं भी आऊँ क्या? नहीं अकेले जाऊंगा। अब आ रहा होगा मुझसे सॉरी बोलने, इडियट। कैन आई हैव वन बियर प्लीज? पेट है कि टंकी, अभी तक नहीं भरा? अरे धीरे धीरे पियो, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो लेकर गए थे वो भी खत्म हो गया। हाँ यार, एक बुड्ढे ने ग्लास ले लिया यार, दिल तो किया चमाट खींच के दूं लेकिन जाने दे। तब तो बनता है, तू बियर देना। ये रही आपकी बियर, अब गटक लो। टंकी है क्या, बस करो यार, आराम से बात करने दो। हाय, ये कौन है, अंकल है? मन में लड्डू फूट रहा होगा तेरे। असल में ये हमारे मित्र हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे अंकल हैं। जोर का झटका धीरे से लगाना गुरुजी। हाँ चारी, इसे भगा दे। हेलो जी, आप भूल कर रही हैं, गुरुजी का सिर्फ शरीर ही हाथी की तरह फूला है पर मन चूहे की तरह है। चूहा समझती है ना, छोटी छोटी चूहियां। ओह आई एम सॉरी। हाँ चंद्रकला बाय। मैं तुझे चूहा दिखता हूँ, तू जा यहाँ से, नहीं तो और अपमानित करेगा। गुरुजी जा, वरना चंदा को चकोरी कैसे बनाऊंगा। जा जा। देख क्या रही हो, फिर से चिमटी लेनी है? लो 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 लो, लो चिमटी, चलो काटो काटो काटो। व्हाट इज दिस, बिहेव योरसेल्फ। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, भगवान बचाए ऐसे लोगों से, हम तो जा रहे हैं। मैं यहाँ पर इसे बिना बताए लेकर आई हूँ ना, इसीलिए मुझे तंग कर रहा है। क्या आइटम है बिड़ू? जक्का सा बिड़ू। कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, पर तुमने तो मेरा ही मूड बिगाड़ दिया। दोबारा कहीं ले जाने के पहले सोच लेना। चंदा चलो डांस करते हैं। डांस? जी हमें डांस नहीं आता पप्पू जी। डांस करना कौन सी बड़ी बात है, वहाँ जाके टांग हाथ तो हिलाना है। या कम ऑन, या चिक 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 चिक। पप्पू जी देखिए ना, ये लड़का हमें छेड़ रहा है। क्या रे, नो एंट्री में एंट्री क्यों ले रहा है? चंदा दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तुम कुछ बोलिए ना पप्पू जी। इसके आगे बोलूंगा तो बोलने के लायक नहीं छोड़ेंगे, चलो यहाँ से हटो। अरे हट रे। सुनो तुम घर जाओ। क्यों?
घर जाओ ना प्लीज। अरे इस तरह अचानक बोला ना, घर जाओ। तुम थी इसके मैंने कुछ किया नहीं, वरना उनकी बैंड बजा देता। वो लोग कितने दुष्ट और पापी थे, आपको उन्हें मारना चाहिए था। तुम थी इसने मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना वो सबके सब दुनिया से उड़ जाते। अब ये काले असुर सब बाहर आ गए। योरे पार्टी खत्म हो गई क्या? आज मारा मारी का उपास है, तुमसे कल निपट लूंगा। लड़की छोड़ और निकल इधर से। मर गए। आओ कोने में चल। मेरे बाप, तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो ना। तेरे पीछे कौन पड़ा है, अपन को लड़की चाहिए। देख तू तो अभी जवान है यार, तुझे कई लड़कियां मिल जाएंगी, तू मेरी चंदा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस के बड़ा किया है, ब्याज तो वसूल करने दे। जारी गुरुजी, गुरुजी कहाँ चले गए? गुरुजी गुरुजी, गुरुजी, अब गुरुजी को कहाँ ढूंढें हम? अच्छा भैया, अब हमको रोकोगे? पीने वाला कोई और बिल भरे हम? हमको लल्लू पंजू समझे हो? ऐसा श्राप देंगे कि जिंदगी भर ऐसे बुद्ध बन के खड़े रहोगे। उठो। पंडित जी प्लीज आप जाइए। वो तो हम जाएंगे ही, पर पहले जब हम जा रहे थे तो ये दोनों ने हमारे राह में विघ्न क्यों डाला? ये राहु केतु के चेले हैं, मेरे सामने दोनों को डांटेंगे तभी जाऊंगा यहाँ से। एडियट्स, सॉरी बोलो इनको। सॉरी सर। देख लेंगे हम तुम दोनों को। आप जाइए। काम के ना काज के, शत्रु अनाज के। ये क्या है गुरुजी, बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? तुम फटे क्यों थे चारी? आप चल दिए पर मुझे रोक लिया, मेरा गुस्सा एकदम चरम पर था, ज्वालामुखी की तरफ फटने ही वाला था। कुछ नहीं। पराए मर्द का हाथ मत पकड़ा करो, क्रोध मुझे भी आता है लेकिन मैं शांत रहा, साथ में चंदा है इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखा करो चारी। अब चलो साथ में। पप्पू जी बोलो, अगर वो लोग वापस आ गए तो? ऐसा है तो मैं जल्दी निकल लेता हूँ। सुन चारी, तू इसे घर छोड़ देना समझा। मैं चंदा जी को छोड़ने जाऊँ? हाँ चुपचाप आओ, चलो अब। तुम तो ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। गाड़ी चलाते वक्त हम बात नहीं करते। तो ठीक है, मंत्रों से मेरी प्रशंसा करो। अच्छा मेजर चंद्रशेखर मेरे जीजा जी थे, उनके देहांत के बाद मेरी गर्भवती बहन मेरे घर पर ही रहती थी। मेरी पत्नी को वो पसंद नहीं थी, इसलिए मेरी पत्नी ने उसे बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं घर पर नहीं था, मैंने उसे कई जगह पर तलाश किया मगर वो मुझे नहीं मिली। फिर एक दिन वो हमारे किसी रिश्तेदार को हैदराबाद में नजर आई, तो मैंने उसे वहां भी ढूंढा लेकिन वहां भी वो नहीं मिली। जानकारी के लिए धन्यवाद। वैसे आप कौन है? मित्र, चंद्रशेखर का मित्र। सुनो, मैं कोलकाता में कांजी भाई के पास जा रहा हूँ और तुम लोग हैदराबाद का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई जरूर हाथ लग जाएगा, और मिलते ही मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है बॉस। और सुन, कोई खंडर जैसा घर भी दिखे ना उसमें भी देख लेना, छोड़ना मत। बेटा कौन सी सब्जी खाएगा? माँ जो आपको लेना है ले लो। अरे बोल ना। टमाटर देखो कितने लाल लाल हैं। अरे नहीं ये बहुत महंगी देता है। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन दादी तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, ये गलत बात है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बैंगन कैसे दिए? 120 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना ऊंचा दाम, नरक में जाए तू, इतना मंत्र पढ़ते हैं फिर भी इतने पैसे नहीं मिलते। मौसमी तरकारी है, 6 महीने में एक बार उगती है। देखा दादी माँ, एक तो दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना जुरी की बातें कर रहा है। अरे जाने दे ना। अरे कैसे जाने दे दादी माँ, हम छोड़ते हैं इसीलिए इनका मन बढ़ रहा है। बैंगन में कीड़े लगे, ये ले रख पैसे।
अरे दादी अम्मा इसमें तो छेद है। अब समझ में आया तूने जो बैगन दिए हैं उसमें से कितने बैगन में छेद है दिखाऊं तुझे? दादी दादी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे बताइए दादी, क्या हो रहा है आपके साथ? घर चलते कीड़ों वाली सब्जी खाओगी तो तबीयत तो खराब होगी ना। हेलो, क्यों रे चंपक, जीना नहीं चाहता है क्या? मुझे हफ्ता देने से मना किया, सुना है तेरा एक लाडला पोता है, ए कौन से स्कूल में पढ़ता है? लोटस। हाँ, चुपचाप मेरा हफ्ता पहुँचा दे वरना तेरे पोते को कहीं और पहुँचा दूंगा। बोल तो नमूना दिखा दूँ? नहीं नहीं उसे कुछ मत करना, जितना बोलोगे उतना दूंगा। अब की समझदारी की बात, एक घंटे में मेरे आदमी सिटी सेंटर मॉल पहुँच जाएंगे, 1.5 करोड़ पहुँचा दे। ठीक है मैं भेजता हूँ। ए शिवा। हाँ भाई। सिटी सेंटर जाओ और सीट से 1.5 खोखा लेके आ। ठीक है भाई। ए करीम चल बे। हाँ भाई। जरा मुन्ना को तो बुला। ए मुन्ना। हाँ भाई। ए तू भी सिटी सेंटर पहुंच और कहीं दूर खड़े रह के शिवा पे नजर रख। तेरे को मालूम है ना किसी ने रसूल के 4 लोगों को लुढ़का डाला, चौकन्ना रहने का, आने जाने वाले सभी लोगों पे नजर रखने का। जा। भाई काम हो गया, चल माल लेके शिकारा गेस्ट हाउस में पहुंच। याद है ना पैसा ले जाते समय किसी ने रसूल भाई के आदमी को मार दिया था, कहीं ये ना हो उसका अगला निशाना आज हम बन जाए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई भाई। अबे तेरी फट रही है क्या? क्या भाई, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कोई चिंता नहीं है। पीछे देखो भाई, वो पीछे वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। अबे झिंगे वो बंद कर वरना बाहर फेंक दूंगा। अरे भाई अगर वही हत्यारा हुआ तो हमारी तो जान के लाले पड़ जाएंगे, आप साइड में लो ना। अबे आप उनको फट्टू समझ रखा है क्या? क्यों सिर्फ फट्टू लोग ही गाड़ी साइड में लगाते हैं क्या? आप भी तो सुसु पोटी के लिए गाड़ी साइड में लगाते हो तो आप क्या फट्टू हो गए? अबे वो तो 9-2-11 हो गया। पिछले जन्म में चूहा था क्या बे? अरे चूहा नहीं मैं शेर था भाई, वो भी बब्बर वाला शेर। भाई अगर सैंपल देखना है ना तो फटाफट बैक गियर डाल के यू टर्न मारो, ऐसा झपट्टा मारूंगा उसकी गर्दन पे। अबे ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखता है क्या? तुम्हारा बाप नरसिम्हा, चल बता माल किधर है? भाई ये वही हत्यारा है। ए, लगता है तू कांजी भाई को नहीं जानता, मौत का दूसरा नाम है वो। अबे सीक्रेट फिल्म के डीग्रेड डालो क्या मार रहा है? इसने अगर गोली मार दी तो तेरा बाप बचाएगा। अंकल जी मुझे माफ कर दो अंकल, मैं इस निर्लज निर्मोही तो छाने की बातों में आ गया था, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो अंकल। जब इतने से ही तेरी पतलून गिली हो गई तो इन चूहों के साथ क्या करूं? और क्या करूं? आबादी ऐसे बढ़ रही है जैसे जमीन से कुकुर मुत्ते निकल रहे हो। पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उससे क्यों डर रहा है चचुंदर की औलाद? तू चुप कर बंदर की औलाद, अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है? हां क्या रे ऐसा चश्मा पहन के क्या घूर रहा है? अगर अंकल नाराज हो गए ना तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। बन गया ना बकरा, क्या सोचा था हाथ में गलने का टुचुक टुचुक करेगा तो मैं क्या डर जाऊंगा? अबे मैं तेरा बाप हूँ। क्या किक मारा भाई, आपने तो पहले को भी फेल कर दिया। फालतू बकवास के लिए सॉरी भाई, अब इस नूडल्स को सीधा कांजी भाई के पास लेके जाएंगे। ये अभी तू देखना आप उनका कांजी भाई कैसे तेरा भरता बनाता है। अंकल भूल तो मनुष्य से होती है, माफ कर देना चाहिए, पुनः क्षमा चाहता हूँ। गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया तूने? कौन से जंगल से? सॉरी बोला ना अंकल। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे छोड़ दिया जाए और इन दोनों को मार दिया जाए, मैं अपने गांव चला जाऊंगा और चाइनीज पकौड़े का ठेला लगाऊंगा। ये खजूर हमको मारने वाला था, अब खुद
करेगा, उड़ा दो इसको। अरे भाई आपको बोलो सर, रसूल के आदमी को इसी ने मारा था, यही वो खूनी है सर, मार दीजिए इसे। देख क्या रहे हैं सर, ठोक दीजिए। सर इन्हें मरने की बहुत जल्दी है, ठोक डालिए। भाई और दो को टपका दिया, मुझे तो छोड़ दोगे ना? तू भी डेड हो जाएगा, नहीं तो जाके माल लेके आ। हाँ ठीक है, लीजिए। अंकल जी क्या है बे? मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। नरसिम्हा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, अपने दोस्तों को नर्क में मेरा हाय कहना। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तुम्हारा और ये मेरा, इसे आप रख लीजिए सर। अपन ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, पुलिस की नौकरी के लिए कर रहे हैं। नरसिंह भला तुम एसआई बनकर क्या करोगे? अब जो कर रहे हो वो भी तो एसआई का ही काम है, दोनों में क्या अंतर है? है सर, अभी जो अपन काम कर रहा है उसके बारे में माँ को नहीं बता सकता। यही काम जब पुलिस वाला बनकर करूंगा तो आप उनकी माँ बहुत खुश होगी। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं साहब। देखो 3 महीनों में एसआई की नई भर्ती शुरू होने वाली है, तब तक इंतजार करो। एक और बड़ी न्यूज है। एक्सक्यूज मी। ए, तुम इसे ऐसे घूर क्यों रही हो? आप प्लीज चुप रहिए डैडी, आप इसकी वजह से मेरे डांस प्रोग्राम में नहीं आ पाए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, इसमें इसका कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो अभी आया है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पुलिस के जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे पिताजी का बस चले तो तुम्हें कांस्टेबल भी ना बनाए। वैसे भी पुलिस वालों से शादी कौन करता है? क्यों, आंटी ने शादी नहीं की थी? कोई जानबूझकर गलती करता है क्या? क्या मतलब, तुम पछता रही हो क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? ठीक है अब तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाय सर, आप रसूल के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो रसूल अपने भाइयों के हत्यारे को ढूंढ रहा है, अब तुम उससे होशियार रहना। होशियार तो आपको रहना पड़ेगा सर, क्योंकि आप उनको चोट लगे तो दर्द तो आपको ही होगा ना। कांजी भाई, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस्ड है, और नहीं तो क्या, हमने 2 करोड़ मांगे तो 4 को लुढ़काया, और जब 1.5 करोड़ मांगे तो 3 को लिटा दिया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अपना रहा है, मेरा ये कहना है। तुम्हें क्या लगता है, अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे प्लेयर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? आगे तुम देख लो। अब उन अच्छी तरह जानता है इनको किसने मारा है, बस एक बार वो हाथ लग जाए फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इनको मारते हुए तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस हत्यारे ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। उसके साथ कोई और था क्या? ये था, पर वो इससे भी बच निकला। तूने वहां पर किसी को देखा? नहीं भाई। ये अपने भेजे पर लोड दे, वो भेड़िया वहीं पे था और वो तुझे चकमा दे गया। अरे याद कर उसे, जोर डाल जोर डाल। नहीं देखा भाई। गंजे अच्छी तरह से सोच, दिमाग की बत्ती जला, याद कर। अबे वो वहीं पर था, तुम लोगों के बीच रेंग रहा था। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। हाँ भाई याद आ गया, वहाँ पे टोपी में एक आदमी आया था, जब वो बाहर जा रहा था तो बैग उसी के हाथ में था, अवश्य उसी ने हमारे आदमियों को मारा है। तो पहले क्यों नहीं बताया गंजे? रुक जाओ, शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका थोड़ा फिर देखेगा पहचान जाएगा। हाँ पहचान लूंगा भाई, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तो कैसा था, बोल टकले, दिखता कैसा है, बोलना। हम तंग आ चुके हैं, ये अंतिम बार है, इन मुर्दों की बदबू से हमारे नाक के बाल जल जाते हैं। अरे तो नाक में थोड़ी रुई घुसेड़ ले। क्या रुई घुसेड़े, बंद ही कर देते। ओ चारी, जजमान के घर पहुंचकर नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे मत कर। अरे गुरु, अरे शांत हो जा, शांत हो जा। ये अंतिम बार चल रहा हूँ, चल चल। खेद है कांजी भाई, बड़े भाई के रहते छोटे भाई की मृत्यु होगी ये जानकर दुख हुआ। मतलब? नहीं नहीं, इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। तो खड़ा क्यों है, मंत्रोच्चारण शुरू कर, जल्दी कर। जजमान चावर रखिए, बाद में मुख में डालिएगा। इनका काम पूरा हुआ, इन्हें लेकर जाओ, मतलब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाओ, ये काम। पर इतनी जल्दी क्यों, अभी तो सिर्फ चावल डाला है। तो क्या इनके सामने दाल सब्जी रोटी परोस के रखूं, ये उठ के खाएंगे क्या? कांजी भाई दक्षिणा दे दीजिए, शमशान जाना है। सुनील
अब मुर्दों के संस्कार में नहीं जाएंगे। मंत्र पढ़ने वाला पंडित हत्या कैसे करेगा गधे? अखिलेश सच बोल वरना तेरी जबान खींच लूंगा। नहीं भाई मैं सत्य कह रहा हूँ, ये वही है, उस दिन उसने अपनी छोटी टोपी में छिपा रखी थी। कांजी भाई डोंट कंफ्यूज, जब सामने वाले की गिल्ली उड़ानी हो तो हमें रहस्य जान लेने चाहिए, हो सकता है ये मर्डर इसी ने किए हो, मैं जाके पता लगाता हूँ, फॉलो मी। क्या जानना चाहते हो? आपके बेटे के बारे में। मेरा बेटा आपके भाग्य में नहीं मेरे भाग्य में है। मेरे भाग्य में क्या है? तुम्हारी तो 7:30 ही चल रही है। ठीक है आगे बताओ। राहु केतु की कुदृष्टि अलग से, उससे क्या हो जाएगा? अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, बहुत ध्यान रखना होगा। तो क्या करें? तुमसे नहीं हो पाएगा पंडित जी, कोई तो इसका उपाय होगा। इसके लिए आपको दक्षिणा पहले देनी होगी है? और आपके दक्षिणा देते ही बेड़ा पार। पिताजी अदरक वाली चाय लाओ। ये कौन है? ये तो वही है। ऐसा लगता है इनको पहले कहीं देखा है। हेलो चंपाकली, ओ चारी आ गए गुरुजी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सवारी कहाँ तक जाएगी? एक शुभ समाचार सुनाना है, बैठ जा। लगता है करोड़ों की लॉटरी लग गई। ऐसा ही समझ है। करोड़ों की? एटीएम जा रहे हो क्या? सड़क के उस पार 3 है। पैसे तुझे देने से पहले मैं उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। लालची मुंह पर ताला डाल, इडियट कहीं का। आंटी जी ने चाय पे बुलाया है। क्या बात कर रहे हैं? आंटी जी बोल रही थी चंदा पार्टी से आने के बाद पप्पू पप्पू का नाम जप रही है। मतलब आपके विवाह की पुंगी बजेगी। चलिए चलिए। चारी के साथ मेरे विवाह की बात सुनकर पप्पू जी तो मर ही जाएंगे ना। अरे मरता है तो मरने दो कमीने को, उसके बारे में सोच के तू अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही है? आ गया कल मुहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? चंदा कहाँ है? अरे टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदा गुरुजी, इतनी लज्जा और मेरे लिए? ए, तू बाहर जा। नहीं, नहीं यही रहने दीजिए ना पप्पू जी। नहीं चंदा, इस कार्य में और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल तुम मैं और आंटी जी। ए चारी बाहर जा। पहले 2 प्लेयर अंदर गए फिर ये बाहर आया। हमें किसी से प्रेम हो जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हो ही गया। आपसे अपने दिल की बात कैसे कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी अनकही बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, एक क्षण में आया। ये चारी गुरुजी, प्रेम भावना उमड़ रही है, हृदय ट्रेन की तरह धक 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 कर रहा है। दिया बुझने के पहले ऐसे ही फड़फड़ाता है। ए, गुरु हूँ तेरा, अपमानित मत कर यार। पूरी दुनिया गोल है, इसमें अवश्य कोई झोल है। एक तो पेवेलियन में खड़ा है और दूसरा चला गया। जाके पूछू क्या? अरे नहीं बांगड़ू, पोल खुल जाएगी। ये मच्छर यहाँ सुबह से आसपास भिन-भिना रहा है, अवश्य ही कोई बात है। वो आ रहा है, तुम लोग अपनी चोंच बंद रखना, अगर बोले तो अपना भांडा फूट जाएगा। चंपाकली? हाँ चंपाकली, अरे कहाँ हो? हमसे होशियारी, हमें देख के फोन कान पर लगाते हो और फोन भी तभी बजता है, क्या समस्या है? मेरा फोन खराब हो गया है भाई। हाँ तो इसे ठीक कराओ या फोन कुएं में फेंक दो। पर कुएं मिलते ही नहीं। तुम पूंछ की तरह पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो मेरे घर पर आए और अब यहाँ क्यों? देखिए महाशय, हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं, हम सब यहाँ किसी खास काम से आए, बाद में आपको बता दें। बाद में नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट। यहाँ यार उनके कान कहाँ? तो अब ये भी एक अलार्म ही है, दिन भर बजते ही रहते हैं। जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, गला क्यों फाड़ रहे हैं? तुझे भीतर बुला रहे हैं। मुझे किस लिए? आंटी जी ने कहा है कि तुम्हारे बिना विवाह नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई, सब ठीक तो चल रहा है ना? अब तक तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी प्रेम कहती है कभी विवाह कहती है, लेकिन किससे करेगी ये नहीं कहती। मुझे भी इस दाल में कुछ काला लग रहा है, तू ही चल के इस दाल में तड़का मार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना? विधि पूर्वक। हाँ तो फिर इस विवाह के लिए तुम तैयार हो? आप इससे क्या पूछ रही हैं आंटी जी, वर वधु से पूछ लीजिए। ये क्या, ये यहाँ कैसे आ गया? रुक जाओ, तुम तो अंदर थे, भूत के जैसे यहाँ कैसे प्रकट हो गए? चल हट, दिमाग की दही मत कर। नहीं हटूंगा, पहले मुझे सच बता। बत्ती जली? सटा सटाया और फटाफट चला गया। गया तो गया, जाते जाते आपके कान के नीचे बीन बजा के गया। कहीं ये डबल रोल वाला चक्कर तो नहीं है? अंकल जिंदा होते तो कब का कन्यादान कर देते। अरे वो नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, उनकी जगह पर चंदा का कन्यादान तुम कर देना। आप ये क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपनी मन की बात कही है, जरूर तुमने ही इनके कान भरे होंगे। मैंने दूध की रखवाली एक बिल्ले से करवा दी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। गुरुजी सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, शिष्य और गुरु का रिश्ता खत्म। तो
तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे पर गुरुजी, अबे ये दो है कि एक है? आदमी एक है पर रूप अनेक है। अरे गुरुजी, दादी का ठिकरा मुझ पर क्यों फोड़ रहे हैं? इस कहानी के असली सूत्रधार वही है। ए ऑटो वाले इधर आ। वो भाग रहा है, फॉलो मी। चलो, बालक ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, हमें इसका प्रतिशोध लेना पड़ेगा। ये कन्या तेरे प्रेम में पूरी तरह से बावली हो गई है चारी, विवाह ना किया तो डूब के मर जाएगी, समझाओ इसे माँ। अरे कर ले, कोने में पड़ी रहेगी। दादी ये कोई सामान है क्या जो गोदाम में बंद करके रख दूं? दादी ये चश्मे में बहुत भोली लगती है लेकिन है चालाक लोमड़ी। तुम्हारे गुरुजी भी कुछ कम नहीं है बेटा, चार कदम आगे हैं। चलो, कहीं हमें धोने तो नहीं आ रहा। अब क्या बताऊं मैं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये चंद्रकला है ना, मेरे गुरुजी इससे प्यार करते। अरे जी क्या बोला? क्या पकड़ा है चारी? सही कह रहा हूँ, पप्पू ने ऐसे कहा। क्या लिखित में दे? मति भ्रष्ट हो गई है उसकी। अगर तेरा गुरु ना होता तो चप्पल से मारती उसे। उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा। आओ आओ पप्पू बेटा, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। सुन लिया, मन की बात सुन ली मैंने, जो कहा वो भी सुन लिया, जो नहीं कहा वो भी सुन लिया हमने। प्रेम करना अपराध है क्या? आयु मेरी इतनी नहीं है, पंडित हूँ, बैठ के कार्य करने पड़ते हैं, इसीलिए मेरी तोंद बाहर आ गई है। मुझसे छोटों का भी तोंद बाहर है, कल इसकी भी तोंद बाहर आ जाएगी, लिख के ले लो। यहाँ वार्तालाप खाने पीने का नहीं, विवाह का हो रहा है। तुम हृदय पे इतनी छुरिया मत चलाओ, दर्द हो रहा है। निर्लज्ज कहीं का, प्रौढ़ावस्था में विवाह करने चला। ये तो उत्तम विचार है, माँ बेटी के परिवार को संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक विधवा के साथ इन्होंने विवाह करने का विचार किया, उसे अच्छा जीवन देना चाहा, तो उसमें बुरा क्या है? छी छी, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, आत्महत्या कर लूंगा। मतलब गुरुजी, चंदा और दादी दोनों से प्यार करेंगे? नहीं नहीं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, सिर्फ चंदा ही चाहिए। माताजी से विवाह नहीं करेंगे? बेटी से विवाह करेंगे। दुष्ट पापी कहीं का है, ये बात समाज में फैली तो लोग थूकेंगे तुम पर। चलो यहाँ से। चलो भाई चलो। अब तू क्यों खड़ा है, जा यहाँ से। जाऊंगा जाऊंगा, पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर यहाँ से जाऊंगा मैं। 4 लाख? 1 लाख रुपए देना था ना? 1 लाख तो सिर्फ मूल है चारी, ब्याज मिला के कुल 4 लाख होते हैं। 4 लाख? अरे रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारी सेवा कर रहा है, जरा बताओ तो मुझे, फूटी कौड़ी भी दी है तुमने, हिसाब बराबर, अब जाओ यहाँ से। दामाद, बहुत जल्दी संबंध बना लिया। नहीं गुरु, शांत रहो, तुमने आज गुरु शिष्य के रिश्ते का अपमान किया है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें श्राप दे दूं, ये घाव अब नहीं भरेगा चारी। अरे पर गुरुजी, जा रहा हूँ। तो समधन जी, मुहूर्त निकालें क्या? किसका मुहूर्त, आपकी शादी का? कैसी अनर्गल बात कर रहा है समधन जी, चंदा आज से हमारी बहू, आप निश्चिंत रहिए। अरे देखा देखा, कितनी निर्लज है, आंख मार रही है मुझे। आंख मारना, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, भोली बन रही है। हा? गुरुजी को चाट लिया, मुझे सफा चट करेगी, पता नहीं गुरुजी पर क्या बीत रही होगी। गुरुजी, अरे क्या कर रहे हो भैया, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे हम अपाहिज नहीं है, पैरों में दम है, स्वयं सीढ़ी चढ़ जाएंगे। वो एक बात कह देते हैं, अगर हमारी धोती छूटी तो मैं। अरे ये क्या गुरुजी, ये लोग आपको भी ले आए? देखा सर, इसका डबल रोल, देवता जैसे गुरु के साथ छल करके उसे छलनी कर दिया, खिलौना समझ के उसके साथ खिलवाड़ किया। ऐसे शिष्य को जीने का अधिकार नहीं, दंड दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों रहे, तूने हमारे आदमियों की हत्या की। लो कर लो बाप, हम तो चीटी भी नहीं मारे। ये क्या गुरुजी, आप मेरे विरुद्ध आग में घी डाल रहे हैं? गब्बर भैया, आपकी माँ की कसम, किसी को नहीं मारा है, हमको जाने दीजिए। इस पे विश्वास मत कीजिए, ये बहुत ही चतुर है कांजी भाई, इसी ने आपके आदमियों को पब में मार गिराया था। मैंने? और पब में हमने सिर्फ 4 गालियाँ दी थी, उसे मारना थोड़ी ना कहते। कौन है रे? और जो मुझे धोया भूल गया क्या? हम? यस कांजी भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कर रहा है। भाई मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है, मार दो इसे। मार दो। ये क्या कांजी भाई, एक निर्दोष को मारकर नरक में जाना चाहते हो? अरे मैं एक पंडित हूँ, ऐसा आरोप लगाओगे तो जीते जी मर जाऊंगा। समाज की रक्षा करने वाले ब्राह्मण को मारना महापाप है। रसूल, इसको देखकर लगता तो नहीं कि मर्डर इसने किए हैं? हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाकर्म करने क्यों आएगा? इसे यहीं रखते हैं, यदि पता चला कि इसने झूठ कहा तो टपका देंगे, क्या बोलता है? मेरा विश्वास कीजिए, हमने आपके आदमियों को नहीं मारा है। पूर्ण विश्वास है कि आप इसे उचित दंड देंगे, प्रस्थान करता हूँ। रुक जा, इसे भी अंदर बंद कर। हमने शांति मंत्र पढ़े हैं, भस्म करने वाले मंत्र नहीं, हमें दंड क्यों दे रहे हो? हाँ बोल सर, मेजर का बेटा मिल गया। क्या? यस सर। सर अगर आपने उसके बेटे का अपहरण कर लिया तो फिर आप मेजर को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तुमने ये खबर सुनाकर खुश कर दिया प्रभाकर, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेजर के बच्चे, देख तुझे कैसे नचाता हूँ। हमारे आदमियों को कोई बाहर का आदमी टपका रहा है,
पहले रसूल के आदमियों को टपकाया, फिर हमारे आदमियों को। यदि हम आपस में लड़ते रहे तो वो एक एक करके हम सब लोगों को शिकार बना लेगा। हमें एक होकर उसका सामना करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए सबको बुलाया। रोहिते से काट दूंगा उसको। लेकिन वो हाथ में कैसे आएगा? शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम अपना टारगेट बनाएंगे और उनसे हफ्ता मांगेंगे। उस हफ्ते को लेने के लिए वो आएगा और पकड़ा जाएगा। मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम ध्यान रखना। हेलो, उसकी गन से गोली क्यों नहीं निकली, यही सोच रहा है ना? उसे खाली गन देकर मैंने ही भेजा था, किंतु अगली बार ऐसा नहीं होगा। काजी भाई, कितना चाहिए? 5 करोड़। और कोई होशियारी मत करना। ठीक है भाई, कहाँ लाना है? रत्नापुर के टिन फैक्ट्री के पास। हेलो नरसिंह, उसे फॉलो कर रहे हो ना? हाँ हाँ, करता हूँ। चाहे कुछ हो, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी डील है ये, अगर हम कामयाब हुए तो माला माल। तो निकल। अब तक आया क्यों नहीं वो? ए, देख जरा, पंडित वही है ना? जल्दी भागो चारी। भाई वो यहाँ नहीं है, भाग गया। अबे कैसे भाग गया वो? टेंशन लेना बंद करो, देखना वो यहीं आएगा। अब फंसा तू जाल में। जब है कभी पंडित बन के पूजा करता है, कभी छुपके मर्डर करता है। हम लोग को येड़ा समझ रखा है क्या? पूजा करता हूँ? लगता है चरस गांजा को ज्यादा ही पी रहा है। नशा मुक्ति केंद्र जा। अपुन के आदमियों के सामने अपुन को राग दे रहा है तो एकड़ी निकालूं क्या? तेरा बाप हूं मैं। सर, क्या हुआ नरसिम्हा, फाइनली पकड़ा गया ना तू? सर शट अप, मेरी बेटी के पीछे पड़ा है ना तू? मैं सबका फोन टैप कर सकता हूं, तो तेरा फोन टैप नहीं कर सकता क्या? तू मरेगा, तुम उससे बच नहीं पाएगा। Oh!
क्या हुआ? जो आदमी कुछ देर पहले तुम्हारे खून का प्यासा था वो तुम्हें बचाने के लिए कैसे आ गया, यही सोच रहे हो ना? उसने ऐसा क्यों किया जानते हो? क्योंकि तुम्हारी मदद से ही हमारा सपना पूरा हो सकता है। आने में परेशानी तो नहीं हुई? ये कौन है? इस लड़के को पकड़ने में इसी ने मदद की। सहायता के लिए धन्यवाद। आज से तुम भी हमारे आदमी हो। Well done। हमने तुम्हें इतनी दूर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो। और इस सब के पीछे एक लंबी कहानी है। तुम्हारे पिताजी आर्म्स डिजाइनर थे। वो सेना में काम करते थे और एक बड़े हथियार का आविष्कार किया। उसकी डिजाइन मुझे चाहिए और तुम वो मुझे ला कर दोगे। तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया, इसलिए मैंने उनके मित्र धनराज से संपर्क किया और इसकी सहायता से मैंने उनका अपहरण करवा दिया। फिर एक खबर फैली कि उनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई है। जानते हो, वो भी मेरा ही किया धरा था। अरे आगे तो सुन लो, वो अभी तक मरे नहीं है। पानी की तरह पैसा बहाकर तेरे पिताजी से हथियार बनवाना चाहता हूँ और वो इस काम के लिए मान भी गए हैं, लेकिन मुझ पर एक शर्त थोप दी। कहा मुझे अपने परिवार से मिलना है। उस दिन से मैं दर दर भटक रहा हूँ और तू आज मिला है। मेजर, पिताजी संधा है। मेजर साहब, परिवार का आलाप गा रहे थे ना, मिलो बेटे से। पता है मेजर साहब क्या सोच रहे हैं? कि हम इनके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? कहीं तुम तो नकली नहीं? मेजर, मैं काम के वक्त कोई नाटक नहीं करता हूँ। तू इनका बेटा है, ये विश्वास दिलाना तेरा काम है। बात कर इनसे। देखो बेटा, कई सालों से अपने परिवार से दूर रहकर मैं विवश होकर इनके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? पिताजी, मैं आपका बेटा नरसिम्हा हूँ। एक मिनट। हेलो माँ, कोई बात करना चाहता है। एक सेकंड, मैं उन्हीं को फोन देता हूँ। हेलो, आप गायत्री? तुम कैसी हो गायत्री? आप जिंदा हैं? कहाँ चले गए थे आप मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर? ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम लोग कौन कहता है दुनिया में प्यार नहीं होता? इसे देख के तो मैं रोने लग जाऊंगा। बाबा भाई, इसके बेटे को इस तरह यहाँ खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। बहुत पहुँची हुई चीज है। ठीक है, शिफ्ट कर दे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जल्दी ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, छुड़ा कर ले जाएगा। बहुत आसान लग रहा है तुझे ये सब। तेरा बाप कहाँ है ये तेरी सात पुश्तों को पता नहीं चलेगा? आधी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज आज तक मुझ तक नहीं पहुंच पाई हैं। बताऊं? बताऊं क्या हूं मैं? रुक जाइए। ए, लेके जाओ इसे। सुनो मेजर, अब से तेरा बेटा मेरे साथ कोलकाता में रहेगा। तेरे पास एक महीने का समय है, काम जल्दी खत्म कर। अगर एक महीने में नहीं हुआ तो तेरे बेटे को मौत के घाट उतार दूंगा, समझ गया ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। जल्दी मेरा काम कर। हाँ ठीक है, ओके। लालचंद कहाँ है? ये झिंगुर कौन है जीजा जी?
ये मेजर का बेटा है, अब से यहीं रहने वाला है। जरा ध्यान रखना, यहाँ से भागना नहीं चाहिए वरना तू मरेगा। देखो जीजू, ये हमसे ना हो पाएगा, लंबा चौड़ा लकड़बग्घे जैसा है। अबे मेरी बात माने जीजू, इसे यहाँ रखने में बहुत रिस्क है। क्या रिस्क? अरे जीजू, आप यही चाहते हैं ना कि हथियार तैयार हो जाए और उसके बनने तक आप चेतावनी देते रहेंगे, मेजर को मारेंगे नहीं, है ना? हाँ, नहीं मारेंगे। हमारी वार्तालाप ये समझ गया तो ये हमारी बैंड नहीं बजाएगा क्या? ये उड़न छू हो जाएगा। अरे इसके सामने बोल दिया। क्या कर रहा है तू? ये मर गया तो हम मर जाएंगे। ए, सबको बुला रहे। हाँ जीजू। सारे द्वार तो बंद है ना, अब कहां से जाएगा वो? अरे ए, देख क्या रे, पकड़ो। बस अब रुक जा, मेरी बात को समझ ले। अगर तू यहाँ से गया तो जीजू मुझे मारेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल चलना। हेलो अंजू। नरसिम्हा, माँ को अपने साथ ले जाओ किसी सेफ जगह पर। पर ऐसा हुआ क्या है? अभी बताने का समय नहीं है, जैसा कहता हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है। अरे हटो हटो हटो। अरे ए! गधे के बच्चे, तूने मुंह नहीं खोला होता तो वो भागता नहीं। जीजू आज पेट खराब था इसलिए मैं अपने पेट में बात को पचा नहीं पाया। वो भागने वालों में से नहीं है, उसके इस तरह भाग जाने के पीछे जरूर कोई प्लान है। वो आग में घी डाल रहे हैं, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऐसा हुआ तो राम नाम सत्य है। जरा सोचिए, अगर मेजर अपने बेटे से बात करना चाहेगा तब क्या होगा? आपकी घंटी बज गई। मेजर का ही है ना? अरे हाँ। तो देख क्या रहे, फोन उठाइए, बात कीजिए। बात कीजिए। हेलो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दीजिए। वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं तेरे बेटे का पीए हूँ क्या? अब फोन रखो और अपना काम करो। आई एम सॉरी, जब तक बात नहीं होती मैं काम नहीं करूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्यों क्या हुआ जीजू? उसने अपने बेटे का मुखड़ा दिखाने के लिए बोला, तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए बोला उसने। तुझे सब पहले कैसे पता चलता रे? जीजू जीजू, एक और अवसर दे दीजिए, मैं दिन रात धरती पता लेकर के उसके परिवार से किसी को जरूर लाऊंगा। कैसे लेकर आएगा? हैदराबाद में रसूल नाम का एक गुंडा है, उसके गैंग की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। रसूल के गैंग का कोई आदमी नहीं बचा, उसने सबको लुढ़का दिया। भाई माना शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम अच्छी बात तो करो, पनौती पे पनौती लगाया जा रहा है। जीजू मात्र एक अवसर चाहिए। फोन लगा, फोन लगा। अवश्य। कान पे स्पीकर खोल। कोविड से प्रदेश लड़ रहा है और कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। मात्र एक अवसर और दीजिए। फेस मास्क का उपयोग करना। अबे किस शमशान में बैठा है, जल्दी से फोन उठा उठा। यस बादशाह ड्राई क्लीनर्स। मित्र मैं लालचंद, कोलकाता में मिले थे। लालचंद? हाँ, याद है चिड़ी बाजार में हमारे पीछे भो, एक हाथी पड़ गया था, अब याद आया? तुम जो भी हो, शर्ट का 200 रुपया, पैंट का 300 रुपया, अंडरवियर का 50 रुपए लूंगा। दो पैंट पर एक शर्ट फ्री और दो शर्ट पर एक अंडरवियर फ्री, जीएसटी अलग से, रेट फिक्स है। अरे परचून की दुकान खोली क्या? नहीं, ड्राई क्लीनिंग की। रसूल भाई के जाते ही गैंग की उस हत्यारे ने ऐसी धुलाई की कि मैं अपनी धुलाई से बचने के लिए दूसरों के कपड़े धोने लगा। कहानी तो बहुत दुख भरी है भाई। सही कहा, इसी पर एक दुख भरी फिल्म बनने वाली है। अच्छा वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, सहायता चाहिए। समस्याओं से बचने के लिए ही मैंने ये धंधा खोला था, फिर भी आ जाओ। धन्यवाद जीजे, हमारा काम हो गया, अब मेजर के कुटुंब से कोई बकरा मिल ही जाएगा। एक 100 का नोट। 100 का नोट किस लिए?
तुम्हें जाने के लिए कार तो दे रहे ना, फिर पैसा क्यों? अगर रास्ते में जोर की लग गई तो मैं शौचालय नहीं जाऊंगा क्या? अब ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ फोटो भेजिए। फोटो किस लिए? उसे देखा है ना? अरे जली कर राख करूं मैं इसकी? अरे मैंने देखा है, मेरे मित्र ने उसका चित्र नहीं देखा। अबे जिस समस्या से मैं पीछा छुड़ाना चाहता था उसी में लपेट रहा है। इसके पास मत जा, मारा जाएगा। और नहीं गया तो भी, बस एक बार उससे मिलवा दे मेरे भाई। नो, मैं इसके पास तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इसके फोटोकॉपी के पास तुम्हें जरूर ले जा सकता हूँ। इसके जैसे दिखने वाला कोई और भी है? फोटो दिखाना। इसी चेले को मैंने इसके गुरु के साथ भागते देखा था। यानी एक ही शक्ल के दो नमूने? अर्थात इसकी जगह मैं उसे ले जाऊँ क्या? Yes. अगर हमारा भांडा फूट गया तो? बेटा बादशाह जो प्लान बनाता है कभी फेल नहीं होता। अरे वो पंडित है ना, जीजा उसे पहचान लेंगे। उसका बाप भी देखेगा तो नहीं पहचान पाएगा। वो हमारे साथ जाएगा ना? पैसा फेंको और तमाशा देखो। मेरी तरफ से डील डन। निश्चयार्थ मुहूर्त अस्तु। हो गया, शुभ मुहूर्त आरम्भ हो गया। चारी अंगूठी पहना दे। जी जाइए, अंगूठी की रस्म अब जेल में होगी। इस कार्यक्रम को इसी क्षण रद्द किया जाता है। ये कैसी अपशकुनी बातें कर रहे हैं? आशीर्वाद देने की जगह इन्हें दूर कर रहे हो। चुप हो जा कलयुगी। इस बात पे चुप रहूं? जिसे पाल पोस के इतना बड़ा किया वही हाथ से निकल गई। चंदा मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर कोर्ट से लाया हूं। तुम्हारा डायलॉग बोलो। ओके जी, जब तक पैसा चुकता नहीं हो जाता सगाई और विवाह पर स्टे ऑर्डर है। ये कहां का न्याय है? अरे बिल्डिंग ब्रिज बिजनेस के मामले में स्टे ऑर्डर सुना था, अब सगाई में भी स्टे ऑर्डर देंगे? देते हैं, इसे कानून कहते हैं। तूने छल से मारा, मैंने कानूनी बल से। चंद्रकला में इन्वेस्ट किए 15 लाख और तुम्हें दिए हुए 4 लाख, कुल मिला के 19 लाख, जल्दी निकालो। ये सब क्या है पप्पू जी? पहले पैसे दिए और अब पैसे ले रहे हैं? लेने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुमने लेने पर विवश कर दिया। मेरे रहते ये मंगनी नहीं रुक सकती। ये आप? यस मैं। अरे बाप रे, ये तो डुप्लीकेट से भी असली है। हाँ था ना। कितने पैसे बाकी हैं? 19 लाख, मतलब 19 लाख। टिप के साथ 20 दे रहा हूँ। लालचंद आजा राजा, 20 लाख ले जा। ये नोटे तो बंद हो चुकी है ना? मुझे पैसे चाहिए कि जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। दिमाग खराब कर रहा है, मुझे ठोक दूंगा। चल भाग यहाँ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद कलयुगी गुरु से मुक्ति दिलाने वाले, कहिए क्या सहायता करूं? तुम्हारे जीवन के कुछ दिन चाहिए। क्यों, कोई यज्ञ वज्ञ करवाना है क्या? नहीं, एक्टिंग करवानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हैं क्या? तुम्हारा एक फोटोकॉपी है। जिस तरह से उसके कारण तुम परेशान हो वैसे हम भी। ये क्या दादी माँ, मेरा कोई जुड़वा भाई है, इनको कहा मुझे क्यों नहीं? मैंने कब कहा था? लोग कहते हैं दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। अभी दो से पाला पड़ा इतना बहुत है। अरे बात करो ना। इसका बॉस कलकत्ता का बहुत बड़ा डॉन है, उसके नाक में दम कर रखा है उसने। उसने मतलब इसने? नहीं, तुम्हारे डुप्लीकेट ने। अगर वो नहीं मरा तो ये मरेगा, ऐसा कहा है उसने। उसने मतलब मेरे हमशक्ल? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने का मतलब मेरा हमशक्ल, अब कह रहे हो उसने का मतलब इसका बॉस। पहले उसके का मतलब तुम्हारा डुप्लीकेट और दूसरे उसके का मतलब इसका बॉस। तो फिर उसका क्या होगा? वही मेरे हमशक्ल का? इस मुर्गे को पंडित जी आप हमारे साथ ले जाना है। उसके डुप्लीकेट का नाटक करवाने, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30 रुपया ना? 30 लाख लो। इस दरिद्र नारायण को। गोविंद तू चारी को बेच देगा? अरे माँ भलाई की मलाई, वो भी इतनी मोटी वाली, कौन छोड़ेगा? मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे को यहाँ से कौन लेके जाता है। चारी को ले गए और इसे कुछ हो गया तो? दादी जी इसे कुछ नहीं होगा, इसकी चिंता मत कीजिए। पंडित जी आपको वहाँ जाकर मात्र 3 शब्द कहने। ठीक है, 3 ही शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक मात्र शब्द नहीं कहूंगा। यही तो हम चाहते हैं, साथ ही वेशभूषा भी बदलनी पड़ेगी। 30 लाख के लिए वेशभूषा नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे। ये तो क्या बकरा है? मैं बकरा नहीं हूँ, बकरा तो आ रहा है, वो देखो। रे चूहे, क्या सोच के यहाँ से भागा तू? भाग कर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? क्या प्लान था तेरा? ज्ञात नहीं, स्मरण नहीं, भूल गया। कह रहा है दरअसल जीजू, भूल से मैंने हथौड़ा मार दिया था, तब से 3 शब्द से अधिक बोल नहीं पा रहा। अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी भूल जाएगा। बाबा भाई इसे देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, ये वही है क्या? अरे यार तू फिर से शुरू हो गया, जब देखो टांगड़ आता रहता है। एक जैसे दो इंसान ढूंढा कोई हलवा है क्या? अपनी सोच अपने पास रख। जीजू इसे कहो कि अपनी चोंच बंद रखे। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। अरे चुप कर मेरे बाप। जीजू मेरी बात मानिए, इसे मेजर से मिलवा दो, इसे देखकर काम शुरू कर देगा। अबे वहाँ वो मेजर इससे बात करने के लिए मेरे कान चबाता जा रहा है, और अब ये उसके सामने मालूम नहीं, भूल गया, याद नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? चिंता ना करे, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। ट्रेनिंग? हाँ भाई क्या कहना है बताइए, मैं ट्रेन कर दूंगा। अब तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। कौन है तू? बस अरे गैस, आप अपनी बुद्धि ना दौड़ाए। जीजू ट्रेनिंग देना है या नहीं देना? इसे जो देना है दे दे यार। बेटा मुड़ो,
पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर तनिक तीन शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। कैश दिए थे ना? मैं भूल गया। तो नाटक उनके सामने करना, मेरे सामने नहीं। पता नहीं है, पैसों के मामले में पंडित बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपके मुंह में गन्ना गुड़ शक्कर। पहले तीन शब्द बोलो, मुंह तो खोलो, ये पैसे देगा। हाँ दूंगा। मेजर साहब, मेरे पीछे देखो, पहचान कौन? तुम्हारा सुपुत्र नरसिम्हा। कैसे हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा। ये लोग तुम्हें तो कोई दुख नहीं दे रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी? ये सब क्या है रे? ये रोबोट की तरह क्यों बोल रहा है? और भी सिखाया था इसे, अबे ये वो क्यों नहीं बोल रहा है? लगता है भूल गया है, धीरे धीरे याद आ जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हें कोई दुख हो तो मुझे बताना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी? तीसरा शब्द बोल दिया। पहला शब्द रिपीट ना कर दे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये तेरी तरह पागल है, ठीक चलते चलते अचानक झटका लगता है इसको। मेजर, देख तू मेरा काम जल्दी कर दे यार, तेरे लिए अच्छा होगा वो। हाँ ठीक है ठीक है, तुम बस मेरे बेटे का ध्यान रखना। टेंशन मत ले, ये एकदम ठीक है, फाइन। अरे रे रे रे, वर्ल्ड कप फाइनल देखकर भी मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई थी यार। पर काम तो हो गया ना भाई, तो इसको बाहर लेके जा चल। ओके बेटे, कम। जीजू आपका तो भाग्य चमक गया। कैसे? अब देखिए ना, अगर वो होता तो यहाँ से कब का फुर हो जाता, पर वो कबूतर यही अंडे देगा। ये वो कौन? कितनी बार पूछोगे? पूरी कहानी सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि लंका कहाँ है। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? अगर उस मेजर के सामने इस लड़के की सच्चाई बाहर आ गई तो वो मेजर हमारा काम करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। एक बार सोच लो। बाबा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी माँ यानी कि मेजर की पत्नी मेरी बेटी के कंट्रोल में है, क्योंकि मेरी बेटी ही इसकी गर्लफ्रेंड है। जरूरत पड़ी तो इसकी माँ को खींच कर ले आऊंगा यहाँ। हेलो। हेलो चारी। चंदा, ये तुम हो? हाँ हम ही हैं। एक बात बताएं तुमको, वहाँ तो दिन भर गला फाड़ कर मंत्र पढ़ने पर भी दक्षिणा के नाम पर 400 रुपल्ली मिलती थी, और यहाँ बात बात पर लाखों की बौछार हो रही है। चंदा तो क्या सोचा है तुमने, वही सेटल होने का विचार तो नहीं है? ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो तंबू भी गाड़ दिए, अब बस कुछ ही दिनों में एकदम माला माल, बंगला, गाड़ी, बॉडीगार्ड सब होगा। सच में? हाँ सच में। जीजाजी, आपके जीवन में ऐसी क्या आग लग गई थी कि आपको मुझे दोबारा बुलाना पड़ा? प्रेम की ट्रेन पटरी से उतर गई? प्रेम की ट्रेन पटरी से उतरती और चढ़ती रहती है, मेरे विवाह का लड्डू खाने की इच्छा नहीं होती। इससे तो अच्छा होगा मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूं, ताकि आपके जीवन की बर्बादी ना देखनी पड़े, यही मेरी खुशी है। उसी खुशी पे चारी ने पानी फेर दिया और कहता है कि मैं हूं बीमारी। ये तो आप दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बहुत कुछ। सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो। आप पर शहजादे अकबर का भूत सवार हो गया। जीजाजी अब ये तब उतरेगा जब चंद्रकला मेरी हो जाएगी। ये तो असंभव है। चारी का एक जुड़वा भाई है, उसे कुछ गुंडे उठाकर अपना कोई उल्लू सीधा करवाने कोलकाता ले गए हैं। हमें बस वहाँ पर जाना है और बाबा भाई को बोलकर वहाँ एक बड़ा धमाका करवाना है। पर इसमें मेरा क्या लाभ होगा जीजाजी? मेरे पास बहुत पैसा है, डीमोनेटाइज नोट है, तुम उसे कैश कर लेना। मुझे भोंदू समझ रखा है, ऐसे नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेते। तो बाबा भाई से जो मिलेगा उसमें से ले लेना। तो ये पहले कहना था, पब्लिक का इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? बक बक बंद करो और कार्य पे ध्यान दो। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब बहुत गंदी चीज है। अरे यहाँ भी मालिश कर। ये बताओ कि कहाँ है मेरी शबाना? अरे और कहाँ होगी, अपने कमरे में बैठी है, जाओ मिल लो, तुम्हारी राह देख रही है, जाओ। हाय हाय मेरी शबाना, आ गया तुम्हारा दीवाना। अच्छा जानती हो, तुम्हारे लिए शायरी लिखी है। हृदय करे धड़क धड़क, पंखा चले फड़क फड़क, प्यार करो और नोट पाओ कड़क कड़क। ये पहला है या दूसरा वाला? ए, कौन है तू? असली वाला है भाई, मैं यहाँ बहना से मिलने आया था, अब भेंट पूरी हो गई, मैं चलता हूँ भाई। ए, ये पता पिताजी को कहाँ छिपा है? वो जगह मैं नहीं जानता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता, जीजा ने उस जगह को गुप्त रखा हुआ है, लेकिन उस धनराज को सब कुछ पता है, मेरा यकीन करो भाई। तो धनराज का पता बता, वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। हर शुक्रवार को चांदनी बार में आता है वो, वहाँ तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हे ऊपर वाले, अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने जीजू को फंसा दिया, कुछ भी करके उन्हें बचा ले। उस बाबा का पता ये रहा जीजा जी। तू तो गया चारे। ये आप क्या कह रहे हैं लालू जी? हाँ पंडित जी, आपका डुप्लीकेट यहीं घूम रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू उसे पकड़े क्यों नहीं? वो पिंजरे का नहीं, जंगल का शेर है, पकड़ में नहीं आता। लालचंद भाई, नरसिम्हा से मिलने कोई आदमी आया है।
कौन आया होगा? पप्पू, गुरुजी आप कब आए? चुटिया काट के बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू गुरुजी। आप मुझसे मिलने आए हैं ना? मिलने नहीं आया, पर बात करने आया हूं। ये क्या गुरुजी, आप तो विलन की तरह बात कर रहे हैं। विलन तो नहीं बनाया, सांप को दूध पिला के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मुद्दे पर आइए, आप चाहते क्या हैं? चंद्रकला। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उसकी मेरे साथ सगाई हो गई है। सगाई हुई है, विवाह तो नहीं हुआ। नहीं माने तो? नहीं माने तो भांडा फूटेगा। मुझे पता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है। अगर बाबा को पता चल गया तो तुझे ढाबा का डिश बना देंगे। मेरे साथ ऐसा अन्याय है। आचारी कोई चारा नहीं, निर्णय नहीं बदलेगा। मैं एक बार जो कमिटमेंट करता हूँ तो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, मुझे केवल एक मिनट दीजिए। जल्दी आना। क्या कहा? हाँ, वो हमारा भांडा फोड़ने आया है। बाबा भाई के सामने पोल खोल देगा। उसकी तो मैं अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ? पोल? वो हमारी पोल खोलने आया है ना, उसे हम देखते हैं। उस झिंगुर को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी पंगा नहीं लेगा। गुरुजी, बाबा भाई के दाहिने हाथ झूलते हुए आए हैं, बैठकर टांग हिला रहे हैं। जाइए और पोल खोल दीजिए, जो भी होगा देख लेंगे। तूने सांप के फन पे पैर रखा है, अब देख उसका अंजाम। नमस्ते बादशाह भाई। क्लोज द डोर। कर दिया। बोलो भाई, आपसे एक बात। गुरुजी गोली चलने की आवाज। अरे ये क्या गुरुजी, आपने बादशाह भाई की गिल्ली उड़ा दी। अरे गिल्ली क्या उड़ाऊंगा, मैंने आज तक गिल्ली डंडा नहीं खेला। मैं कमरे में आया, बत्ती गुल हुई और इसकी बत्ती गुल हो गई। गुरुजी मर्डर तो आपके हाथ से हुआ ना। अरे भाई, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? अरे मर गया क्या? तुमने मारा इसे? नहीं मैंने नहीं मारा। तो इसकी बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो गई? ये जीजू के दाहिने हाथ थे। मैं तेरी गर्दन काटूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे मेरी खातिर इनको माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगा लेकिन मेरे जीजू नहीं। इनके हाथ को लेकर क्या करेंगे? आप जो कहेंगे हम करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जीजू आने वाले हैं, इसे समंदर में फेंको। कूड़े का थैला थोड़ी है, बिना क्रियाक्रम के अगर फेंक देंगे तो हाथ में भटकती रहेगी। पहले तो तूने इसे मार डाला, क्रियाक्रम की बात कर रहा है। कल मुहे गरम जले। कौन से कोचिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है आपने? और आप गुरुजी जाके डूब मरिए। आप क्या देख रहे हैं, चलिए भी। कितना भारी है। खेल खेल में ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो भी मेरे हाथों। कॉकरोच के हाथों मारा जाऊंगा सोचा नहीं था। दिन में भूत, चारी। अरे चारी, चारी, काहे गला फाड़ रहे हैं? बादशाह भाई को सुनता कहां देखे? वहां फिर ये कौन है? डबल रोल, लाश तो यहाँ है। बिल्कुल। तो अंदर कौन है? आप अपनी आंखों का इलाज करवाइए। ठीक दिखता है। अरे मैंने जिसे मारा है मैं नहीं जानूंगा कौन है वो। नहीं, मेरे मित्र को मारा है। जवान फिसल गई, फिसल गई मेरी जवान। लाल चंद लाश लेके जा। तुम कह रहे हो तो लेकर जा रहा हूँ। इसे कहो हम शांतिवादी लोग हैं, हिंसावादी नहीं इसकी तरह। लालू भैया गुस्सा थूकिए और लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी कीजिए। मेरे शव को ठिकाने लगा दिया पंडित। चारी देखो बादशाह भाई। अरे कहाँ है गुरुजी? हमारे सामने खड़े। आत्मा सबको नहीं दिखती। आत्मा मुझसे वार्तालाप कर रही है। अरे आपके कान बज रहे हैं, जाकर कान में तेल डलवाइए। जाइए। न किसी को दिखाई दूंगा न किसी को सुनाई दूंगा सिवाय तुम्हारे। ये अत्याचार मुझ पर क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने ही तो मारा। आज से तू मेरा साथी और मैं तेरा साया। तुम कुछ लोगी? अरे हाँ ये भी के? ये ले। अरे मेरी रानी, ना मुझे भी दे दे थोड़ी। यहाँ? हाँ, फट गए क्या? समझ गया, मतलब तू वहाँ नाटक कर रहा था। तो तू एक ही आदमी है? वन एंड ओनली वन नरसिम्हा। बता मेरे पिता को किस आइलैंड पर रखा है? तू चाहे कुछ भी कर ले नहीं बताऊंगा। बताएगा, तेरा बाप भी बताएगा। जल्दी मुंह खोल। बताता हूँ काली घाटी से 160 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर रखा हुआ है। तो कितना भी प्रयत्न कर ले उन्हें छुड़ा नहीं पाएगा, नहीं छुड़ा पाएगा। क्यों? उस आइलैंड पे हेवी मेटल से बनी एक प्रयोगशाला है।
100 किलो आरडीएक्स से भी उड़ाओगे तो कुछ नहीं होगा। उसे खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो सिर्फ बाबा भाई जानता है। उस पासवर्ड के सारे डिटेल्स उसके लैपटॉप में है। उसे पाना असंभव है। थैंक यू। मुझे छोड़ दो। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, पिताजी करेंगे। तब तक तो यहीं रहेगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खूब चिल्ला, अब तो जितना चिल्लाना चाहता चिल्ला, कोई नहीं सुनेगा। हाँ ठीक है बॉस, काम हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ क्या कर रहा है, जाके सो जा। अरे नहीं बॉस, मेजर का बेटा आ गया था। चारी चारी, क्या हुआ गुरुजी? जूस का मजा ले रही हो? और नहीं तो क्या, फ्री में मिला है, आप भी जाके लीजिए। मेरे नसीब में ये सब कहाँ है। चारी, तुझे एक रहस्य की बात बतानी है। ओके, फिकर नॉट। मैं आज रात यहाँ से 9:00-11:00 हो रहा हूँ। क्यों? वो आत्मा मेरे रूम में घुस गई है। सटक लूंगा तो छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो आत्मा है, जहाँ जाएंगे चील की तरह पहुँच जाएगी। पर कैसे? अरे उड़ के गुरुजी, भूल गए वो आत्मा है। यू आर राइट। आ गया, अभी आया। किससे बात कर रहे हैं? पर दादा के दादा। पर से वो तो चल बसे थे ना। अरे वो तो मर गए, लेकिन ये तो मरने के बाद भी जिंदा है चारी। अरे क्या बताऊं चारी, वो मेरे साथ 1-2-1-2 खेलते रहता है। मेरा दिल ही जानता कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, बता नहीं सकता। देख फिर से पुकार रहा है, चलता हूँ, अब चलता हूँ। बोलो क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मुझे बावर्ची समझ रखा है, नाक में दम कर दिया है। ना रात में सोने देता है और ना दिन में धोने देता है। इतना तो साठ भी नहीं खाता जितना तुम्हें दिन रात खिला रहा हूँ। मैं डबल पे के साथ इस्तीफा देता हूँ, इसी पल करो मेरा हिसाब। नरक में होगा ना, क्यों झटका लगा ना। आपका ड्रिंक। धन्यवाद बादशाह भाई। आप उसे कैसे नजर आए? वो भी आत्मा है। इन शॉर्ट हम नहीं आत्मा सी है। टोटल 99 है, ज्वाइन कर लो, सेंचुरी पूरी हो जाएगी। गुरुजी, हाँ, शुभ रात्रि। अब जाके चैन की नींद सोओगे। तो क्या भांगड़ा डांस करूंगा, आप भी जाइए। अब क्या हुआ? कंधे पे रख के लोरी सुनानी है, क्या करूँ? तुम जाओ। मित्र बन गया है तुम्हारा ये? और मित्र कभी नहीं, मौका मिलने पर मैं भी इसे वही भेजूंगा जब तुम्हें भेजा है। घोचो। हेलो बेटा चारी। हाँ दादी, सुन रहे हैं, बोलो। हम सब कोलकाता आने वाले हैं। कब आ रहे हो? कल। यहाँ क्यों आ रहे हो? मैं तो आने ही वाला था ना। अरे बेटा तेरा जन्मदिन है इसलिए। हाँ दादी, पर दादी पर दादी पर सुनो तो। ठीक है, कल जब आ ही रहे हो, एयरपोर्ट पर लैंड करते ही काली मंदिर पहुँच जाना। अगर आप लोग यहाँ आ गए तो भांडा फूट जाएगा। ठीक है। हाँ बड़ी जल्दी समझी। तो चारी मंदिर में जा रहा है। बोलिए जीजा जी। जो कह रहा हूँ उसे करो श्रवण, हमारी बात को करो ग्रहण। सुनिए सुनिए ना, वो देखिए, हमारा बेटा एकदम हीरो लग रहा है। आग फाड़ के क्या देख रहे हो? कैसा लग रहा हूँ? एकदम महानायक। सिनेमा में काम करेगा तो छा जाएगा। और मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? गर्लफ्रेंड मतलब? अरे और कौन? चंदा। अरे चंदा तो कब से बाहर खड़ी है, जा जाके मिल ले। अच्छा वो बाहर है, ठीक। चंदा, अरे यहाँ अकेले बैठ के क्या लूडो खेल रही हो? मंदिर के अंदर क्यों नहीं आई? यहाँ ये क्या कर रही हो? ये सब तो विवाह होने की बात करते हैं ना। चुम्मी देने से कुछ नहीं होता। चलता है तो दो। अब मूड नहीं है, चलो यहाँ से। ठीक है। अरे हाँ? बिना बताए चली आई। वही है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अपनी पूरी शक्ति झोंक दो, उसका मृत शरीर भी ना मिले, तब जाकर मेरे जीजा जी को शांति मिलेगी। जाओ और टूट पड़ो। अरे अरे आप लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, चलिए दर्शन कीजिए। अरे तुम्हारी प्रतीक्षा में। हाँ तो अब चलिए। बेटा यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो माँ, अपने बच्चों पर अपनी दया। पुतले की तरह बीच में क्यों खड़े हो? चलो साइड में हो जाओ। अरे ये तो घातक शस्त्र है, भागना पड़ेगा। अरे चारी,
कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। अचानक ये बदल कैसे गया? देखा ना दादी माँ कैसे धो रहा है सबको, पब में भी बिल्कुल ऐसे ही मारा था चारी ने। पब में भी मारा था? माँ मैंने इसका ये भयानक रूप आज तक नहीं देखा, ये अपना चारी ही है ना। ना बाबा, ना ना। समझा, ये चारी ही है, भगवान से शक्तियाँ लेकर ये शत्रुओं का संहार कर रहा है। ना बाबा, ना। आ, बाबा। क्या हो गया माँ, कब से आपकी सुई हाँ और ना पे अटकी हुई है? ना बाबा, ना। क्या वो हमारा पुत्र नहीं है? हाँ बाबा, हाँ। तो फिर मैं भी आपका पुत्र नहीं। जो रे साले, उसे नर्क पहुँचा दिया ना। वो हमारे आदमियों को नर्क पहुँचा रहा है। असंभव, कहीं उसका जुड़वा तो नहीं आ गया? नहीं जीजा जी, यहाँ तो केवल एक ही है और वही सब पर भारी है। गुंडों को दक्षिणा तो नहीं दी ना? अरे आपका साला हूँ, ऐसे कैसे दे दूंगा दक्षिणा। तो इसी वक्त वहाँ से खिसक लो, दक्षिणा बच जाएगी। जो आ गया जीजा जी। पतली गली पकड़ लेता हूँ। माँ, अगर ये हमारा पुत्र नहीं है तो फिर चारी कहाँ है? हम यहाँ हैं। पिताजी, वो मैं नहीं हूँ, वो है मेरा हमशक्ल। पब में लड़ाई करने वाले तुम नहीं थे? मतलब तुम ये कहना चाहती हो फाइट देकर तुमने मुझसे प्रेम किया? सुनो दादी माँ, रिश्ता कैंसिल। कैसी बातें कर रहे हो, फाइट चाहे जिसने भी की हो, प्रेम तो हमने तुमसे ही किया है। ठीक है, चलो माफी दिया, चलो चलें। दादी सही कहा करती थी, एक ही रूप के कई आदमी होते हैं। कौन है बेटू, क्यों मेरी जगह लेना चाहता है, किसने भेजा है तुझे? बेटा, क्या तुम इसे मार दोगे? अगर इसने सच नहीं बताया तो मार दूंगा। ठीक है, मार दे, अपने भाई को अपने हाथों से ही मार दे। ये तुम क्या कह रही हो दादी? हाँ बेटा, ये तेरा सगा भाई है, जानकी को बचाने के लिए मैंने तुझे तेरे परिवार से अलग कर दिया। मेरे ही कारण तुम दोनों अलग हुए थे और आज काली माँ ने तुम दोनों का एक बार फिर से मिला दिया। तो क्या ये मेरा पुत्र नहीं है? रुकिए पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ, तनिक रुकिए। बड़े भाई, तुम उनके जाल में कैसे फंस गए? ओहो, जिससे हमने उस दिन बात की थी वो तुम्हारे पिताजी हैं? सिर्फ आप उनके नहीं, तेरे भी। तो फिर मैं? आप पिताजी, आप ही मेरे पिताजी हैं, तनिक रुकिए। अब बताओ हमें क्या करना है? हमें नहीं करना है, आप उन करेगा। अब उनकी लंका को आप उन अकेला दहन करेगा। अब तेरी जगह मैं खुद उनके पास जाऊंगा और पिताजी को लाऊंगा। और अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और सारा काम चौपट। इसलिए आगे से जो भी काम करना है हम सब मिलकर करेंगे। जब हम दोनों एक जैसे दिखते हैं तो चकमा तो दे ही सकते हैं ना? क्यों सही कहा ना? अच्छा छोड़ी, क्या कहते हो? ठीक है, पहले यहाँ से चलो। तुम सच कह रही हो बेटा? हाँ आंटी, आपका दूसरा बेटा भी जिंदा है और बहुत जल्द वो दोनों अंकल को अपने साथ लेकर आएंगे और आपका परिवार फिर से एक हो जाएगा। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर बेटा, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। खुशी तो आपने दे ही दी आंटी, मुझे अपना बेटा देकर और क्या चाहिए। तो मित्रों, कई सालों से आपको जिसकी प्रतीक्षा थी वो सैटेलाइट कंट्रोल डिस्टेंस वेपन तैयार हो गया है। उसे बनाने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयां उठाई हैं, कितना इन्वेस्ट किया है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप बोली लगाइए। What are you expecting? वो तो अनमोल है,
एक साधारण लैपटॉप की सहायता से आप इसे ऑपरेट करके दुनिया में किसी को भी मार सकते हैं। यह हथियारों की क्रांति है। आई एम एक्सपेक्टिंग $30 billion। टर्म कंडीशन मिस्टर केडी, ये डील ओनली वन कंडीशन पर होगा। व्हाट कंडीशन? इस वेपन के साथ साथ हमको इसका बनाने वाले का लाइफ भी मांगता है, बिकॉज इसके बाद कोई और ऐसा वेपन बनाने को नहीं सकेगा। ओके, इट्स अ डील। अगले 48 घंटों में ये हथियार और इसे बनाने वाले के प्राण आपके पास होंगे। बेचारा मेजर मुफ्त में मारा जाएगा। वो बंद रख वरना तू भी मारा जाएगा। हेलो, क्या हुआ? ए, वो धनराज कल्टी मार गया। आए हो दैया, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान से सुन, जो कहता हूँ वो कर। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। बाबा भाई, तो तुम मुझे मत मारो, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी नहीं बचेगा। ये लीजिए बाबा भाई, इस बंदूक से आप मुझ पर गोली चलाइए। वैसे भी आज नहीं तो कल सच्चाई जानने के बाद तो आप मुझे वैसे ही मार देंगे, तो अभी मार दीजिए ना। कैसी सच्चाई? आप गलत सोच रहे हैं, मैं उस मेजर का बेटा नरसिम्हा नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं उस नरसिम्हा का हमशक्ल चारी हूँ। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और वहीं पर पंडिताई की। वो तो लालू भाई ने पैसों की लालच दी, इसीलिए मैं यहाँ चले आया आपको मूर्ख बनाने। लालू, आपका कार्य नहीं रुके इसीलिए हमने इसे यहाँ लाया। इसे यहाँ लाने का प्लान मेरा ही था। इसके आने की वजह से ही तो आपका कार्य पूरा हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला बाबा भाई कि मैं एक महान इंसान को धोखा दे रहा हूँ। महान इंसान? कौन? अरे आप और कौन? अच्छे इंसान को मूर्ख नहीं बनाते, मेरी दादी ने हमेशा यही कहा है। क्रिमिनल को भी नहीं? हाँ, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो बता दिया। अब आप मुझे दंड देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बात और किसको पता है? पहले हमें पता थी, अब आपको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं। चलो बच गया। देखो, मेरा नाम चारी है। हाँ वो यार, अभी तक तुमने इन लोगों के लिए नाटक किया, अब तुम मेरे लिए नाटक करेगा। बस मुझे वो हथियार मिल जाए, इसके लिए तुझे मेजर का बेटा बनना ही पड़ेगा। मैं 1 करोड़ दूंगा तुझे। पर क्यों? इसका मालिक मैं हूँ, जो भी डील करनी है पहले मुझे बताइए। चश्मिश बाहर निकल, चल। बताइए तो दूंगा इधर ही। आ रहा हूँ ना। बाबा भाई, आज से आपकी सारी इच्छाओं का ठिकरा मेरे ऊपर है। धन्यवाद। तो डुप्लीकेट है, ये बात मुझे भी पता नहीं चलनी चाहिए। और ये बात हमारे बीच ही रहे, किसी को कानो कान खबर ना आए। बाबा भाई, बाबा भाई, बाबा भाई। ये तुझे क्या हो गया? ये सब इसके कारण हुआ है, इसने मुझे किडनैप करके बहुत मारा बाबा भाई। लेकिन तुझे किडनैप किसने किया? बाबा भाई यही था। अरे ये तुझे किडनैप क्यों करेगा? मेजर को कहाँ रखा है ये जानने के लिए। तुमने उसे क्या बताया? उससे नहीं भाई, इसे। अरे हाँ, वही वही वही, इससे। क्या बताया? इसी से ही पूछ लो। अरे ये क्या बताएगा, ये तो सब कुछ भूल चुका सब है। सब कुछ भूल गया। देखा, इसे भूलने की बात भी याद है। ये कुछ भी नहीं भूला है, ये ₹100 सिर्फ नाटक कर रहा है, नाटक। और क्या बताया उसे? यही कि मेजर को हमने आइलैंड पे रखा हुआ है। क्यों बताई? नहीं तो ये मार डालता, इसके हाथ में लोहे का डंडा था, सर फोड़ देता मेरा। लेकिन वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस मेजर को वहाँ से बाहर निकालने के लिए पासवर्ड तो चाहिए ना, और वो तुम्हारे पास सुरक्षित है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर वो यहाँ तक पहुँच भी गया तो उसे हमारे आदमी मार डालेंगे। इसे इधर ही मार डालो ना, वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे, वो लैपटॉप के बारे में नहीं जानता। आप इस बात को ज्यादा मत खींचिए, एक काम कीजिए, टॉनिक पी के सो जाइए। तो क्या इसको छोड़ देंगे? इतना करने के बावजूद कितना मारा है मुझे, देख लो। सॉरी बोलो बेटा। नहीं चाहिए सॉरी, इसने जिस तरह मुझे मारा है उस तरह तुम भी उसे मारो। सर, बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिए। आपने इसकी सॉरी में मिठास देखी, अब तो खुश है ना? अरे जाइए, हम तो प्रधान हो जाते। सर, आपको एक सच्चाई बतानी है। हाँ बोल। आपकी बैंड बजाने वाला नरसिम्हा है, सॉरी वाला चारी। हम ब्रह्मचारी झूठ नहीं कहते। फिर से तो हो गए, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि दोनों के हाव भाव बिल्कुल ही अलग हैं। हाव भाव तो क्या, आदमी ही अलग है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी ने बताने से मना किया था। ये मम्मी कौन है? इसके पीछे एक दुख भरी कहानी है। शिकार पे गया है वो, उसके आने से पहले ये कहानी बाबा भाई को बता देते हैं। बाबा भाई, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। क्या समझ में आ गया? वो एक नहीं, 2 लोग हैं। तुझे किसने बताया? किसने बताया? मुझे जिसने किडनैप किया था वो अलग, और ये आदमी अलग है। अरे तुम बताओ ना। बिल्कुल सर, डबल रोल है सर। ठोक डालूंगा। पर क्यों? वो 2 लोग नहीं है, वो एक ही है, और यही है वो। यहाँ जो है वो नहीं है। अरे जो नहीं है वो कैसे रहेगा? क्योंकि वो नहीं है, वो जो है उसी का वो बताने आया हूँ। अरे मतलब एक ही चेहरे के 2 लोग है ना? सत्य वचन, आप तो अंतर्यामी है। मतलब उनके पिताजी एक है? नहीं सर।
तो माता जी एक है? नहीं सर, सिर्फ मातृभाषा एक है। जी भेज लूंगा, पिताश्री अलग है, माताश्री अलग है, तो फिर दोनों जुड़वा कैसे हो सकते हैं? होता है सर। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम लोग भी मत करो। प्रूफ है तो विश्वास करने में कोई बुराई नहीं। प्रूफ का प्रूफ भले ही ना हो, लेकिन आपको बता दे 100% फुल प्रूफ है। अबे डॉन को भी प्रूफ चाहिए, अरे समझा ना इसको। प्रूफ लेके चाहते आइए आइए। भीतर आते समय किसी ने आपको देखा नहीं ना? अपन को देख के सबको लगता कि अपन तू है, तो प्रॉब्लम गाएगी। अच्छा छोड़ो, वैसे उस बाबा भाई को ना 1 घंटे में पैसे मिलने वाले हैं, तब वो लैपटॉप ऑन करेगा। जब वो लैपटॉप ऑन करेगा तो हमें उसका ध्यान बटाना होगा। अच्छा तो हम क्या करें? तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? यही कलकत्ता में है। मेरी गर्लफ्रेंड भी यही है। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? पता चल जाएगा। हाँ साले बोल। जीजा जी, मुझे आपको आवश्यक सूचना देनी है। फोन पर बताऊं या आके बताऊं? यहाँ आएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, टॉक टाइम में बोल। वो जुड़वा है जीजा जी। क्या? उस बुढ़िया ने अस्पताल से एक बच्चे को चुरा लिया था। ये बात मुझे अभी अभी मंदिर के लोगों से पता चली है। संदेश सही निकला, ये प्रूफ बिल्कुल फुल प्रूफ है। टॉक टाइम बनकर। बाबा भाई अब क्या हुआ? लालचंद और गुरुजी दोनों मिलकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग एक नहीं जुड़वा हैं। अगर मेजर को ये बात पता चल गई और उसे लगा कि हम उसे धोखा दे रहे हैं तो वेपन का क्या होगा? हाँ, यही सोचकर छाती में गैस बन रही है। अगर मैं उन दोनों को मार दूंगा तो यहाँ सबके मन में शंका पैदा हो जाएगी। इस समस्या का एक ही उपाय है, आप ही कह दीजिए ना कि हम एक नहीं दो हैं। ओए ओए, मैं नहीं कहूंगा। असली वाले को लाने के लिए कहा तो मैं क्या करूंगा? अरे आप डर क्यों रहे हैं? कह देना कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, और ये भी कि दादी माँ ने बचपन में हम दोनों को अलग कर दिया था। मेजर को लगेगा हम दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। दिमाग दौड़ाइए। उत्तम विचार, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं छूटेगी। बाबा भाई। तो ये भी यही है। बाबा भाई, मैं प्रूफ के साथ बताने आया हूँ कि ये एक नहीं दो दो हैं, यानी कि ये हम शक्ल है। पता है, प्रसारण पहले पहुँच गया। तुम दोनों को बताने के लिए मेरे पास कुछ और है। दोनों जुड़वा भी हैं। है? बचपन में दोनों को दादी ने हॉस्पिटल से अलग किया था। म्युनिसिपल हॉस्पिटल से? कोई भी हॉस्पिटल हो ना यार। तो दोनों के पिताश्री एक है, माताश्री एक है, यानी दोनों जुड़वा है। अरे फेंकने में क्या जाता है? पंडित कौन? चलो हाँ, मैं चलो जोड़। हमें एक संदेह है, ये बाबा भाई ओरिजिनल तो है ना? अरे वो और उसकी पिस्तौल दोनों ओरिजिनल है। चलो फिर चलो। लग गई लॉटरी, 50% माल आ गया। आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अब कौन सी नई पलौटी आ गई? तुम अंदर कैसे आई? हटो। नहीं जाऊंगी, अब पहले जाके नरसिम्हा को बुलाइए। तुम कौन हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। कौन हो तुम? तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारी स्वीटी। इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे साथ कोई कुछ करे उसकी इतनी हिम्मत? अब फूटने वाला है भांडा। ये तो लड़की है। भांडा के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग की क्या जरूरत? आगे का शो देखो। ए, तू कौन है? मैं जो कोई भी हो, तुमसे क्या? बीच में मत बोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ घर चलो। हाथ छोड़। चंदा तू? मैं अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ू या पैर, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा? बॉयफ्रेंड? ये मेरा हस्बैंड है। चप्पल से मारूंगी। बड़ी आई मेरे बॉयफ्रेंड को अपना हस्बैंड कहने वाली। खुद को क्या समझती है तू? दांत तोड़ दूंगी तेरे। समझी? चुप कर। तू चुप कर। अबे तू चुप। क्या करेगी तू? देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। बिना सच्चाई जाने लफड़े मत करो। कैसी सच्चाई? इधर आ। मुझे बुला रहे हैं? अरे हाँ, तुझे बुला रहा हूँ, चल। हाँ बोलिए। जो बात बताने के लिए तू उतावला था ना, वो बात बता दे इनको। देखिए, मैं चंदा से दृष्टि नहीं मिला सकता है? क्योंकि हमें उससे प्रेम है। यस सर, आई एम इन लव विथ हर। बाल उखाड़ दूंगा तेरे, गला दबा दूंगा। अपनी बकवास कहानी बंद कर, जुड़वा नंबर वन की कहानी बता। चल बता। ठीक है तो सुनिए मेरी कहानी। समाप्त हुई। जब दूसरा बांगड़ू मिल जाएगा तो नहला दुला के भेज देंगे। अब जाइए अभी। नहीं, रुक जाओ। कहाँ जाएंगे? कहानी सुनने के बाद कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब यहाँ भंडारा लगने वाला है? कोई क्या? कहीं नहीं जाएगा। आज शाम को पार्टी है, सब एंजॉय करना। Thank you.
पिताजी, पिताजी। नरसिम्हा, क्या हो गया? डोर लॉक हो गया? सुरक्षा की वजह से मैंने तेरे पिताजी को हटा दिया और उसका मुझे फायदा हुआ। तुम्हारे लिए शुभ समाचार, कल तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास होगा और कुछ दिनों बाद ही तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि वो डोर्स कभी नहीं खुलेंगे। भूखे प्यासे कब तक जिंदा रहते हो हम भी देखते हैं। टाटा। चलो चलो, इससे पहले कि पोल खुल जाए हम यहाँ से निकल। क्या हुआ बच्चे, कहीं जा रहे हो? अब मैं कहाँ जाऊंगा बाबा भाई, मैं तो शहर में इन दोनों को घुमाने के लिए ले जा रहा था। तुम इन्हें शहर घुमाकर तो ले आओगे, पर तेरा भाई आइलैंड घूमने गया है, उसका क्या होगा? कल तेरे बाप को मैं मार दूंगा। अब तेरे बाप के आने तक तुझे भी यहीं रहना है। मेजर, वेलकम। फाइनली यू मेड इट, कांग्रेट्स। डेमोंस्ट्रेशन प्लीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब आप टारगेट फिक्स कीजिए। दोस्तों, हमारा टारगेट उस ब्रिज पे खड़ा है और वो ब्रिज यहां से 1200 किलोमीटर दूर है। वन सेकेंड। पीटर, कम इन पीटर। या टेल मी सर। प्लीज रेज योर हैंड। वाओ, दैट वाज गुड, बट वेयर इज द वेपन? आपके सामने ही है। किधर? लुक देयर। मेजर, हथियार दिखाओ। I'm impressed. Now, you try. Sorry, Major. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मरना होगा। No. तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। No. Please don't do this. No. Please. Please. No. मत करो ऐसा। रुक जाओ। बाहर कैसे आ गया? जिस रास्ते से वो अंदर गया था उसी रास्ते से बाहर आ गया होगा। अरे ये लॉजिक है जीजू, सिंपल। हे, स्टॉप दैट व्हीकल। गेट हिम। पेट्रोल। वेपन। ए, रुक जा रुक जा, ये वेपन जल जाएगा। तू अपने बाप को यहाँ से लेकर जा। भेजर, तू जा 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 जा। ये तो दो दो हैं। अरे एक के साथ एक फ्री है, दोनों जुड़वा है। तू जाना यहाँ से, जल्दी कर, तू जा जा। ए, कोई शूट नहीं करेगा, नहीं तो सब जल जाएंगे। नो नो फायरिंग। अब उंगली करना बंद कीजिए, मशीन ऑपरेट करने वाला ट्रिगर वो ले गया। मेजर, वो ट्रिगर मुझे दे। अपने बेटे को दे रहा हूँ, दम है तो उससे ले लो। गाइस, होल्ड हिम, होल्ड हिम। No!
यहाँ देखो बस मार्केट, दुनिया में प्रेम नाम की कोई चीज। ब्राह्मण को बंदूक दिखा रहे हो, दूसरी टांग भी टूट जाएगी तुम्हारी। चुप। हे बजरंग की रक्षा करना। लग गया ना गदा? हैं? तो जैसा इंसान जिंदा रहेगा तो इस दुनिया में दोस्ती के नाम से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। छोड़ो मुझे। नरसिम्हा, गायत्री, ये सब क्या? Don't move. बाबा भाई, हाँ। ये महिला कौन है? तुम्हारी माँ, तुम्हारे परिवार से मिलाने का मैंने ठेका ले रखा है। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, नहीं, बेटा। हे भोलेनाथ, रक्षा करो भगवान। ओम नमः शिवाय। मेरे बाप, सवेरी से कहाँ चला रहा है तू? मजा। गुरुजी, मैं और चंदा सनीमा जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखना। मेरा यही तो काम है। तुम चले पप्पू, जल्दी आना। बेटा, इतनी फील्डिंग करने के बाद भी मुझे काम मिला तो वो भी आया का। पंडित जी, ग्लास खाली हो गया। तो आगे खून चूस ले मेरा। उठते बैठते जागते सोते मेरे पीछे लगे रहते हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले। सवेरी से बच्चों को दूध पिला रहा हूँ। तुम्हें मदिरा कहाँ से लाके पिलाऊं? दुकान से। अच्छा, दुकान से? लोग कुत्ता बिल्ली सुअर पालते हैं और मैं पाल रहा हूँ एक पियकड़ आत्मा को।